अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट उसकी रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान देना कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या है, ये सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो जो समरी मैंने यहाँ पे ली है, हैंड रिटन समरी जो मैंने क्लास में स्टूडेंट को लिख के दी थी, मतलब स्टूडेंट्स जब लाइव क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको मैं लिख के देता हूँ कि चैप्टर में क्या एडजस्टमेंट्स हैं और उसके इफेक्ट्स क्या है, ये मैं समरी में लिख के देता हूँ। तो मैंने लिख के दिया था, स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, उसका मैंने स्कैन करवा लिया और आपके लिए अवेलेबल किया है। तो इसमें लगभग सभी कंसेप्ट्स, मेथड्स, एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं, क्लियर। चलो लेट्स स्टार्ट कंसाइनमेंट। तो सबसे पहली बात, कंसाइनमेंट होता क्या है? कंसाइनमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर बिजनेस बढ़ाना है, मुझे अदर सिटीज में भी गुड्स सेल करने हैं, तो मैं खुद की ब्रांच वहां पे ओपन कर दूं, उससे बेटर है मैं वहां पे एक पर्सन, उसे एजेंट अपॉइंट कर दूंगा और उसे बोलूंगा तुम मेरे लिए काम करना, मेरे गुड्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम उसे सेल कर देना। मतलब कंसाइनमेंट का बेसिक मीनिंग है टू डिस्पैच। मैं मेरे एजेंट को गुड्स भेजूंगा, डिस्पैच करूंगा, कंसाइनमेंट करूंगा एंड दैट पर्सन विल सेल गुड्स ऑन माय बिहाफ। मैं अगर कंसाइनर हूं, मैं प्रोनाउंस करते वक्त इंटेंशनली कंसाइनर कंसाइनी ऐसा करूंगा, कंसाइनर कंसाइनी ऐसा बोला तो बहुत सी बार वो सेम प्रोनाउंसिएशन लगता है। तो कंसाइनर ये उसका प्रोनाउंसिएशन है, बट मैं प्रोनाउंस करते वक्त अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसाइनर ऐसा वहां पे करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, तो गुड्स भेज दिए, डिस्पैच कर दिए, किसने? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है ए एंड बी, क्लियर, ए एंड बी। तो यहाँ पे जिसने गुड्स डिस्पैच किए वो कौन है? कंसाइनर। ओके, जिसने गुड्स भेजे, भेजने वाला कौन है? कंसाइनर। और जिसे गुड्स मिले, जो अपना एजेंट है, उसे कहा जाता है कंसाइनी, कंसाइनी। ध्यान दो यहाँ पे प्रोसेस बताइए। पहला पहला गुड्स सेंड, गुड्स सेंड, ए ने बी को गुड्स भेजे और बी को बताया कि तुम गुड्स आगे बेच दो। देखो ए ने गुड्स को, एक ए ने बी को गुड्स भेजे है, सेल नहीं किए, जस्ट दिस ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम ए टू बी, आगे बी वो गुड्स बेचेगा, सेल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो बी ने आगे उसे सेल किया, बराबर, तो कस्टमर को सेल किया, तो कस्टमर के पास से कैश मिलती है, इमीडिएटली मिलेगी, या अगर टाइम पीरियड दिया और उधारी पे सेल किया हो तो बाद में मिल जाएगी, लेकिन कैश मिलेगी। थर्ड थर्ड यहाँ पे मैंने स्टेज बताया थर्ड। तो जैसे ही आफ्टर रेगुलर इंटरवल कैश मिलती है, जैसे कि हर महीने में एक बार या तीन महीने में एक बार, जिस जैसा कंसाइन और कंसाइनी के बीच में डिसाइड हो, तो आफ्टर इंटरवल दो तीन महीने का इंटरवल, एक महीने का, 15 दिन का, जो भी कंसर्न और कंसाइनी के बीच में डिसाइड हो, उतने इंटरवल के बाद में बी मतलब कंसाइनी ये कैलकुलेट करेगा कि मैंने ए को कितने पैसे देने हैं, मतलब सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी उतने दिन की, जो भी पीरियड डिसाइड है लास्ट 15 दिन पहले अगर सेटलमेंट हो चुकी हो और आपका इंटरवल पीरियड जो है, जो कंसाइन और कंसाइनी के बीच में डिसाइड हुआ 15 दिन हो, तो 15 दिन होने के बाद में कंसाइनी सेटलमेंट अमाउंट फाइंड आउट करेगा, जो कंसाइनी ने सेल करके ली है कैश, वो कितनी कंसाइनर को देनी है, ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंटरवल के बाद में क्या होगा? सेटलमेंट। तो सेटलमेंट कैसे होगा? कंसाइनी क्या बोलेगा? टोटल सेल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब क्या? सेल करके जो कैश आ गई, टोटल कैश कितनी आ गई सेल करके, वो लिखेगा, बराबर। उसमें से वो खुद का कमीशन कट कर देगा। व्हाई ही इज वर्किंग एज एन एजेंट और कंसाइनी, देयर इज ओनली वन पर्पज। वो क्या है पर्पज? ये है कि वो कमीशन कमाना चाहता है, बराबर, उसे कमीशन मिलना चाहिए। एजेंट को क्या मिलेगा? कमीशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे कमीशन माइनस किया जाएगा। आगे वो कमीशन खुद का कट कर लेगा, मतलब पूरे पैसे भेज के कंसाइनर को बोलना कि मेरा कमीशन भेज दो, उससे बेटर है पहले ही कमीशन कट कर दो और बाकी पैसे कंसाइनर को भेज दो, बराबर। माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो यहाँ पे माइनस क्या होगा? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए, देखो गुड्स आपने भेज दिए, कंसाइनी की सिटी में चले गए, वहां से कंसाइनी ने उठा लिए, गोडाउन पे लेके गया, तो उसके लिए जो खर्च आए, लोडिंग अनलोडिंग ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो खर्च वो किसके पास से रिकवर करेगा? वो कंसाइनर के पास से मांगेगा, और अलग से मांगने की जरूरत नहीं, जो पैसा मिला है, ठीक है, जो कैश मिली है टोटल सेल प्रोसीड से, उसमें से कमीशन जैसे माइनस किया वैसे एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो, क्लियर। कंसाइन ने जो कंसाइन और के बिहाफ में खर्चे किए वो माइनस किए जाएंगे, क्लियर। तो वो माइनस करने के बाद में और क्या माइनस होगा?
कंसाइनी ने कुछ एडवांस दिया हो, जैसे बिल्स रिसीवेबल साइन कर दिया हो, कोई एडवांस दिया हो, तो उतना अमाउंट कट किया जाएगा, वो भी अमाउंट माइनस किया जाएगा, और बाकी बचा हुआ पैसा सेटलमेंट अमाउंट करके कंसाइनी कंसाइनर को देगा। तो देखो फिर से बोलो, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो गुड्स भेजे गए, कंसाइनी ने आगे बेच दिए, बेच के कुछ पैसे आए, तो कंसाइनी पैसे कितने कंसाइनर को भेजेगा, कितने भेजेगा? तो जो सेल करके जो प्रोसीड्स मतलब कैश आ गई, माइनस माइनस उसमें से क्या करना है, ठीक है, कमीशन माइनस करना है, कंसाइनी का कमीशन। पैसे किसके पास है अभी? कंसाइनी के पास। तो कमीशन खुद का कट कर लेगा, उसने जो खर्च किया है कंसाइनमेंट के लिए उतना माइनस कर देगा, ठीक है, क्योंकि पूरा जो सेल चल रहा है वो कंसाइनर के लिए चल रहा है, कंसाइनी को सिर्फ कमीशन मिल रहा है, तो खुद का कमीशन जो खर्चे उसे करने पड़े उस गुड्स के लिए वो माइनस कर देगा, एडवर्टाइजमेंट हो गया जो खर्चा करना पड़ा, ओके। तो और कुछ एडवांस कंसाइनी ने ऑलरेडी दिया हो कंसाइनर को, वो माइनस किया जाएगा और सेटलमेंट अमाउंट मिल जाएगी। ये अमाउंट फिफ्थ, चौथा स्टेप हो गया, फिफ्थ स्टेप, बी ए को भेज देगा, मतलब कंसाइनी कंसाइनर को भेज देगा विद अकाउंट सेल, अमाउंट विद अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होता है, ओके, इसमें जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए उसके पूरे डिटेल्स दी जाती है। कंसाइनी कंसाइनर को कैश भेज रहा है तो कैश के साथ साथ बताना होगा ना कि ये कैश इतनी कैश है, इतना बेचा था उसमें से इतना कैश कलेक्ट हो गया, बाद में बैड डेट्स कितने हो गए, बाद में वहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, खुद का कमीशन कितना है, एक्सपेंसेस कितने हो गए, एडवांस कितना डिडक्ट किया, वो एक डिस्क्रिप्शन कौन किसे भेजेगा, कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा, उसे कहा जाता है अकाउंट सेल, याद रखना उसे कहा जाता है अकाउंट सेल। तो सिक्स स्टेज, सिक्स मैंने नंबर दिया है, इसका रीजन वही है कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। फर्स्ट क्या हुआ, गुड्स सेल हो गए, सेकंड क्या हुआ, गुड्स बेचे कंसाइनी ने कस्टमर को, थर्ड क्या हो गया, कस्टमर से कैश आ गई, फोर्थ क्या होगा, आफ्टर इंटरवल सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। कैसे कैलकुलेट की जाती है, सेल प्रोसीड माइनस कमीशन माइनस एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, ओके, माइनस क्या एडवांस इफ एनी, अगर दिया हो कुछ पहले से तो उतना माइनस करके वो जो कैश है। अगली पांचवी स्टेज क्या है, कैश और अकाउंट सेल भेजा जाएगा, अकाउंट सेल में सब पूरा डिस्क्रिप्शन होगा जो जो ट्रांजैक्शंस हो गए है उसका, और जैसे ही वो अकाउंट सेल मिलता है, कंसाइनर विल प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट। तो कंसाइनर को ये ढूंढना है कि एजेंट को गुड्स जो भेजे थे उसमें बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। जब तक अकाउंट सेल नहीं आता है तब तक उसे ट्रांजैक्शन डिटेल में पता नहीं है, एक बार अकाउंट सेल मिल जाए उसके बाद में वो कौन सा अकाउंट बना लेगा, कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या फाइंड आउट करेगा, बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या फाइंड आउट करेगा, प्रॉफिट फाइंड आउट करेगा। याद रखना हर कंसाइनी के लिए अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ेगा मेरे पांच कंसाइनी है उसमें से कौन से कंसाइनी मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, कौन से कंसाइनी की वजह से मुझे लॉस हो रहा है, ताकि अगले टाइम से या तो मैं उसे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बोलूं या उसके साथ कंसाइनमेंट कैंसिल कर दूं। मतलब जो लॉस मेकिंग है वो अलग से पता चलना चाहिए ना, और जो भी प्रॉफिट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, जो भी प्रॉफिट आता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, वो बाद में प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर किया जाता है। देखो मैंने पांच कंसाइनी के पांच कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, हर एक से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ये प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट है, मैं इसे पीएनएल अकाउंट, मेरे पीएनएल अकाउंट जो बनेगा ना उसमें क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दूंगा कि ये अलग अलग कंसाइनी से इतना प्रॉफिट मिल चुका है। क्लियर आया समझ में? तो ये प्रोसेस जनरली होती है, गुड्स भेजे, बाद में सेल हो गया, सेल से पैसे आ गए, सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट किया, अकाउंट सेल भेज दिया, उसके बाद में कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया, हर कंसाइनी के लिए अलग। देखो अकाउंट सेल क्या है, डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर ईच कंसाइनी, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट, यहां पर लिख देना कंसाइनमेंट अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। क्लियर? ठीक है, तो चल यहाँ पे ये स्टूडेंट ने लिखे हुए नोट्स है, थोड़ी बहुत अगर यहाँ पे मिस्टेक होती है तो मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो उतना एडजस्ट कर लेना, फिर से मैं अलग से लिखूँ और आपके सामने प्रेजेंट को, उससे बेटर है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि उसकी स्कैन की और पढ़ाते वक्त मैं अगर इनकेस कोई करेक्शन हो तो वो वहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि जल्दबाजी में उन्होंने लिखते हुए कंसाइन और अकाउंट लिख दिया, बट प्रॉफिट और लॉस कहाँ से मिलता है, कंसाइनमेंट अकाउंट से मिल जाता है। क्लियर? अभी देखो ध्यान से सुनना, एडवांस, एडवांस अभी पढ़ा था ना हमने, कंसाइनी ने कंसाइनर को एडवांस दे दिया, कंसाइनी ने कंसाइनर को एडवांस दे दिया जब गुड्स लिए थे तब, बराबर। तो दो तरह के एडवांस हो सकते हैं, वन इज नॉर्मल, अनदर इज एडवांस एज इन सिक्योरिटी। अगर आपने नॉर्मल एडवांस दिया हो, कंसाइनर को पैसों की जरूरत थी इस वजह से मैंने ऑलरेडी उसको 1,00,000 रुपए दिए है, तो सेटलमेंट के टाइम पे जो सेल प्रोसीड है वो 2,00,000 है,
तो उस वक्त मैं पूरा 1 लाख एडवांस माइनस कर दूंगा और बाकी बचा हुआ पैसा किसे दूंगा, कमीशन और एक्सपेंसेस कट करके कंसाइनर को दे दूंगा। तो अगर नॉर्मल एडवांस हो तो एडजस्टेड इन फुल पूरा माइनस कर देना, कोई टेंशन नहीं नॉर्मल एडवांस हो तो। बट एडवांस एज इन सिक्योरिटी ये कंसेप्ट क्या है, देखो मैं आप कंसाइनर हो ऐसा मान के चलो फॉर द टाइम बिंग मैं कंसाइन हूं, मैं फर्स्ट टाइम आपके पास से गुड्स ले रहा हूं एज एन एजेंट एक्ट कर रहा हूं, आप मुझे 10 लाख का गुड्स देने वाले हो, आपको थोड़ा तो डर लगेगा क्या, लगेगा या नहीं, हाँ या ना, यस। मैं 10 लाख रुपया अभी नहीं देता हूं, मैं बेचूंगा, बेच के पैसे आएंगे वो आपको दे दूंगा, तो आपको डर है, डर हो सकता है क्लियर किस बात का कि गुड्स लेके मैं भाग गया तो, या गुड्स बेचे पैसे मिले और पैसे लेके भाग गया तो, क्लियर। तो ये डर आपके दिमाग में है, तो आप मुझे क्या बोलते हो, आप मुझे क्या बोलते हो, ठीक है मैं 10 लाख का गुड्स तुम्हें दूंगा बट तुम्हें एज एन सिक्योरिटी मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, भले 10 लाख मत दो बट एटलीस्ट 6 लाख तो दे दो, ठीक है 6 लाख रुपए तो दे दो एटलीस्ट, क्लियर। तो मैं बोलता हूं ठीक है आपका अगर भरोसा नहीं है तो मैं 6 लाख रुपए आपके पास एज एन सिक्योरिटी एडवांस रखता हूं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मतलब कि आपको मदद के लिए पैसे दिए थे ऐसे नहीं, एज एन सिक्योरिटी प्रॉब्लम में अगर बताया हो ये एडवांस एज एन सिक्योरिटी है तो इस उसे एज एन सिक्योरिटी एडवांस मानना, कुछ बोला ना हो तो ये नॉर्मल एडवांस मान के चलना, एग्जैक्टली कुछ बोला ना हो तो ये नॉर्मल एडवांस है ऐसा मान के चलना क्वेश्चन में। तो उसे क्या करना है, देखो मैंने पहले ध्यान सुनना, मैंने पहले जो आपको अकाउंट सेल भेजा, मैंने पहला जो सेल किया अकाउंट सेल भेजा, अकाउंट सेल आपको भेज दिया, उसमें मैंने दिखा दिया कि आपने मुझे 10 लाख के गुड्स दिए थे राइट, उसमें से मैंने 5 लाख रुपए के गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए, मतलब अभी मेरे पास कितने गुड्स है, 5 लाख के गुड्स है, समझा, मतलब मैंने इन शॉर्ट कितना परसेंट सेल किया, 50% सेल किया, जो आपने मुझे गुड्स दिए थे उसमें से 50% गुड्स मैंने सेल किया, इज इट क्लियर। तो आप मुझे बोलोगे ठीक है एडवांस एडजस्ट कर लो, बट उतना ही एडजस्ट कर लो जितना परसेंटेज तुमने सेल किया टोटल गुड्स में से, बाकी जो एडवांस है वो मेरे पास है, आप क्या बोल रहे हो, बाकी जो एडवांस है 50% वो मेरे पास रहेगा और ये तब एडजस्ट करना जब अगला 50% सेल हो जाए, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, वो जो 50% गुड्स बेच के मुझे 6 लाख आ गए, 5 लाख के गुड्स है बट 6 लाख में बेचोगे, 6 लाख आ गए, उसमें से मेरा कमीशन मान लो 10% है, 60,000 कट किया और मैंने आपको एडवांस कितना दिया था, 6 लाख, 6 लाख नहीं माइनस कर रहे हैं क्योंकि मैंने 100% सेल किया क्या, नहीं, कितना सेल किया, 50% ऑफ द टोटल गुड्स, तो 6 लाख जो मैंने आपको एडवांस दिया था उसका 50% मतलब 3 लाख अभी मैं माइनस करूंगा, 3 लाख आपके पास एज एन डिपॉजिट रहेगा जब तक आगे गुड्स सेल नहीं होते। तो मैंने क्या किया, 6 लाख में से 60,000 माइनस किए कमीशन के, तो 5 लाख 40,000 और 3 लाख एडवांस माइनस किया जो सिक्योरिटी वाला है और प्रोपोर्शनेट माइनस किया जितना मैंने सेल किया वो प्रोपोर्शन, टोटल गुड्स का कितना सेल किया मैंने 50%, तो एडवांस भी कितना एडजस्ट करना है 50%, तो कितना आता है बोलो 3 लाख, तो 2 लाख 40,000 ही दूंगा बराबर। तो आपने जो आपको मैंने जो 6 लाख दिए थे उसमें से 3 लाख मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए 50% जो सेल हुआ था उसके हिसाब से, आपके पास एडवांस कितना है 3 लाख है, 6 लाख दिया था 3 लाख एडजस्ट कर दिया एडवांस, कैलकुलेशन से कट कर लिया, आपको मैंने 2 लाख 40,000 मतलब 3 लाख रुपए कम दे दिए, तो आप मुझे 3 लाख इन शॉर्ट वापस मिल गया, बाकी 3 लाख आपके पास बचा है, बाकी 3 लाख आपके पास बचा है, ये मैं कब एडजस्ट कर सकता हूँ, जब मैं बाकी जो बचे हुए गुड्स है 50% वो बेचूंगा, उससे जो कैश आएगी उसके टाइम पे जो सेटलमेंट होगा उस वक्त कमीशन माइनस किया जाएगा और ये बचा हुआ एडवांस एडजस्ट किया जाएगा, मतलब इन शॉर्ट क्या बोला है, एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू सेल, एडवांस्ड एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए एडवांस दिया हो मैंने आपको तो जब सेटलमेंट होगा उस वक्त उतना ही एडवांस एडजस्ट करना जितना प्रोपोर्शन 50% 60% जितना मैंने सेल किया है और बाकी एडवांस आपके पास कंसाइनर के पास वैसे ही रहेगा, क्लियर। तो ये एक एडजस्टमेंट याद रखना, ठीक है, मे भी कभी आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कंसाइनर ध्यान दो, कंसाइनर एंड कंसाइनी, कंसाइनर कौन होता है, प्रिंसिपल मेन पर्सन, और कंसाइनी इज एजेंट, याद रखना। तो कंसाइनर जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो किसे मिलेगा, कंसाइनर को मिलेगा, जो भी लॉस है जो भी प्रॉफिट है ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड कंसाइनी विल ओनली गेट कमीशन, कंसाइनी का कुछ भी नहीं, ना वो स्टॉक उसका है ना जो पैसे उसके पास आए थे वो उसके हैं, क्लियर, कुछ भी नहीं है, क्लियर। कंसाइनी जो पैसे आए थे उसमें से सिर्फ खुद का कमीशन रख लेगा और जो खर्चे उसे करने पड़े कंसाइनर की वजह से उसके गुड्स के लिए, गुड्स बेचने के लिए, उतने कट करके बाकी पैसे किसे भेज देगा, कंसाइनर को। तो कंसाइनर इज प्रिंसिपल, कंसाइनी इज एजेंट, याद रखना। कंसाइनर इज ओनर ऑफ गुड्स, तो जो स्टॉक कंसाइनी के पास बचता है ना वो स्टॉक किसका है, कंसाइनी के पास, एजेंट के पास जो स्टॉक पड़ा होगा ईयर एंड पे वो किसका है, कंसाइनर। तो कंसाइनर अपने बुक में दिखा देगा वो एज एन क्लोजिंग स्टॉक, और कंसाइनी के पास क्या होता है, पोजीशन,
कंसाइन ऑल, रिस्क किसके ऊपर होती है? कंसाइन ऑल के ऊपर रिस्क होती है। अ कंसाइनी, रिस्क कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ कमीशन लेना है, बेचना है, कमीशन लेना है और बाकी पैसे देने हैं। बाद में कंसाइनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। कंसाइनर को क्या मिलता है? कमीशन। अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड इनवाइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड इनवाइस प्राइस, ध्यान सुनना, कॉस्ट प्राइस एंड इनवाइस प्राइस, ये डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान सुनना, कॉस्ट प्राइस एंड इनवाइस प्राइस, इसमें कैसे होता है? अगर मैं यहां पे फॉर्मूला बना रहा हूं, क्या होता है, मुझे, आप कंसाइन और हो, आप कंसाइन और हो, मान के चलो आपने मुझे बोला कि 100 रुपए का गुड्स आपने मुझे बेच दिया, एक गुड़ 100 रुपए का, और आपने मुझे बोला कि 300 रुपए में इसे सेल कर दो, 300 रुपए में क्या कर दो, सेल कर दो। कॉस्ट प्राइस कितनी बताई आपने मुझे? 100 रुपए, और कितने में बेचने के लिए बोला? 300 में, क्लियर। और मुझे आपने बोला, जो डिसाइड हुआ था उसके हिसाब से आपको, आपने मुझे बोला 10% कमीशन आप ले लो, मतलब मैं ले लूंगा। आप कंसाइनर हो, आप मालिक हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए एज एन एजेंट काम कर रहा हूं, आपने 100 रुपए का गुड्स मुझे भेजा, बताया 100 रुपए का गुड्स कितने में बेचना है? 300 में बेचना है, ठीक है, 10% मुझे कमीशन मिलेगा, करेक्ट है। तो मैंने वो गुड्स बेचा, और जब सेटलमेंट कैलकुलेट हो जाए तो मैंने लिखा सेल प्रोसेड कितना है? 300 रुपए मिल गए, उसमें से कमीशन कितना है? 10%, मतलब कितना? 30, मतलब कितना आता है? 270 बाकी बचता है, और एक्सपेंसेस मान के चलो कुछ एक्सपेंसेस हो गए हो, मुझे करने पड़े ना सेल के लिए, तो वो 20 रुपए मान लो कट कर दिया और मैंने आपको बेच दिए 250 रुपए, मैंने आपको बेच दिए 250 रुपए। मुझे पता है कि ये गुड्स कितने का है? 100 का, और मैं आपको कितने पैसे भेज रहा हूं? 250। तो मेरे दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रहा है, ये गुड्स जब बेचा, ये जब गुड्स बेचा, सेल किया, तो मुझे सिर्फ 30 रुपए मिल रहे हैं, मुझे सिर्फ 30 रुपए मिल रहे हैं, और कंसाइनर को 250 में से मान लो 100 गए, 100 उसकी कॉस्ट है ना, तो उसे 150 मिल रहे हैं। मतलब पूरा एफर्ट्स मैंने लिया बेचने का, मैं क्लाइंट को पकड़ के लाया, उसे बेच दिया, ठीक है, कन्विंस किया, उसके लिए मुझे 30 रुपए मिले, और कंसाइनर को बिना कुछ के सिर्फ गुड्स बेच के 150 रुपए मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, कंसाइनर को अभी भेजने का कुछ खर्चा होगा, वो 20-30 रुपए छोड़ दो, मतलब और मान लो कि 20-30 रुपए कंसाइनर का खर्चा है, बट उसका प्रॉफिट 120 हो जाए, मुझे कितना? 30, मतलब मैंने एफर्ट्स लिए, मुझे 30 रुपए प्रॉफिट है, उसका 120 है, अगर ठीक है 150 में से मैंने 30 रुपए कंसाइनर को कुछ खर्च पड़ा होगा गुड्स भेजने के लिए वो मान लिया, तो 120 रुपए उसका फायदा हो गया होगा। मैंने इतने एफर्ट्स लिए, मुझे 30 मिला, और उसने कुछ भी एफर्ट्स नहीं लिए कंपैरिजन में, तो उसे 120, मतलब उससे 4 गुना मिल रहा है। कहीं ना कहीं तो दर्द होगा कि नहीं, होता है कि नहीं? मतलब देखो, दोनों को सेम मिल रहा हो, आपने ये थ्री इडियट्स ये जो मूवी है उसमें सुना होगा, क्लियर। तो वो कुछ तो भी एंड में जब रिजल्ट आता है, ठीक है, तो अपने फेल होने से ज्यादा दुख नहीं होता, ये दुख उस वक्त ज्यादा होता है जब दूसरा पास होता है दोस्त आपका। मतलब मुझे और आपको दोनों को कम मिल रहा है तो कोई गम नहीं होगा, बट मुझे कम मिल रहा है, आपको ज्यादा मिल रहा है, तो मुझे गम होने वाला है, मुझे बुरा लगने वाला है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं क्योंकि जो कि गुड्स कंसाइनर के पास लेके बेचने, पास से लेने की लेके बेचने की बजाय क्यों ना ये गुड्स मैं कहीं से मार्केट से या किसी डीलर से मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली ले लूं और बेच दूं। क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली ले लिए गुड्स तो 100 रुपए या 120 उसके आसपास कुछ तो भी मिलेंगे मुझे, उसे मैं कितने में बेचूंगा? 300 में। मान लो मार्केट में थोड़े महंगे भी मिलते हैं, 100 रुपए में नहीं मिले तो 120 में मिले, तो वो उठा लूं और मैं उसे 300 में बेच दूं, तो उससे क्या हो जाएगा? मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है, कि पैसे कैसे कमाए जाए, हाउ टू मेक मनी, ठीक है। तो कितना? 30 रुपीज कमीशन तो लगेगा नहीं, पूरा पैसा मेरा ही है ना। मैंने अगर डायरेक्टली बेचा तो वो गुड्स लाने का अगर खर्चा मैं मान के चलता हूँ 50 रुपए, ठीक है, तो 250 रुपए आ जाएगा मेरे पास, क्लियर। कंसाइनर को कुछ देना है क्या? कुछ भी नहीं देना है। माइनस क्या करना है, 120 रुपए की कॉस्ट है, तो मुझे कितना मिलेगा? उस गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 120। 50 रुपए एक्सपेंसेस मैंने मान लिए सेल के वगैरह सभी, क्लियर। 120 रुपए क्या है? कॉस्ट है, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 130। तो आप मुझे बताओ कि मैंने आपके लिए काम क्यों करना चाहिए, क्यों ना मैं खुद ही गुड्स परचेस करके गुड्स बेच दूं, जिसमें मुझे आपके साथ काम किया तो 30 रुपीज मिल रहा है। मुझे समझ में आया ना कैलकुलेशन, आपने बोल बता दिया 100 रुपए का गुड्स है, 300 में बेचो, तो मुझे पता चल गया कि इतना प्रॉफिट आपको मिल जाता है, तो मैं ये सोच रहा हूं क्यों ना ये प्रॉफिट मैं कमा लूं, और मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपका जो कंसाइनमेंट है
वो खत्म हो गया, उससे जो प्रॉफिट मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि करेक्ट कॉस्ट प्राइस जो है उस गुड्स की, गुड्स की करेक्ट कॉस्ट प्राइस 100 थी, वो आपने मुझे बता दी। अगर आपने मुझे झूठ बोला होता, झूठ क्या बोला होता, इवन दो योर कॉस्ट प्राइस, इवन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, इवन द कॉस्ट प्राइस ऑफ योर गुड्स इज 100, आपने मुझे बताया होता 200 रुपये कॉस्ट है, झूठ बता दिया होता, ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन कैसे होता, मेरा कैलकुलेशन कैसे होता, ध्यान दो, मैं कैलकुलेशन कैसे करता, 300, उसमें से 30 रुपये मुझे मिल रहा है, बराबर, तो 270 रुपये, उसमें से एक्सपेंसेस मान लो 20, तो 250 रुपये मैं किसको भेज रहा हूँ, मैं किसको भेज रहा हूँ, कंसाइनर को 250 भेज रहा हूँ, और कंसाइनर की कॉस्ट ही 200 है, क्लियर। और कंसाइनर के भी कुछ ना कुछ तो खर्चे होते होंगे ना, तो उसे कितना मिल रहा है, 250 माइनस 200 50 मिल रहा है, उसमें से भी उसके गुड्स भेजने के 20 रुपये के खर्च होंगे, तो उसे भी 30 मिल रहा है, मुझे भी 30 मिल रहा है, ये मेरे दिमाग में इंप्रेशन आ जाएगा कि मुझे 30 मिले, उसे भी 30 मिले, खुश है, हम दोनों बहुत खुश है, क्योंकि मुझे 30 मिले, उसे भी 30 मिले, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस मुझसे छुपानी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस आप अगर छुपाओगे मुझसे, ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस अगर आप मुझसे छुपाओगे तो उस केस में मुझे रियल प्रॉफिट आपका पता नहीं चलेगा, और रियल प्रॉफिट पता नहीं चलेगा तो उस केस में वो जो मैंने कन्फ्यूजन बताया था कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दूं, वो क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे अगर लगता है कि उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं तो मैं खुद का बिजनेस क्यों करूंगा, उल्टा मैं तो खुश रहूंगा ना कि विदाउट एनी रिस्क, रिस्क मुझे 30 मिल रहा है, उसको रिस्क सब लेने के बाद में 30 रुपीज मिल रहे हैं, 20 रुपीज मिल रहे हैं, तो मैं खुश हूं। तो आप मुझे जो प्राइस है उस गुड्स की, कॉस्ट प्राइस, वो मुझे गलत बताओगे। आप मुझे जो इनवाइस भेजोगे ना, जो इनवाइस भेजोगे गुड्स के साथ, जो आपने गुड्स भेजे उस वक्त आपने मुझे क्या भेजा है, इनवाइस। इनवाइस तब बनता है जब गुड्स सेल होते हैं, याद रखना, इनवाइस कब बनता है, जब गुड्स सेल होते हैं। क्या आपने मुझे गुड्स सेल किए, आप कंसाइनर हो, मैं कंसाइनी हूं, आपने मुझे गुड्स बेचे, नहीं बेचे, आपने सिर्फ गुड्स मुझे भेजे है, सेंड किए हैं, तो सेल के टाइम पे इनवाइस बनता है, तो आपने मुझे सेल किया ही नहीं तो इनवाइस नहीं बनना चाहिए, बट कुछ डॉक्यूमेंट तो मुझे बेचना चाहिए ना, उसमें पता चले कितनी क्वांटिटी है, उसके फीचर्स क्या है, या मतलब क्या है कि रेट क्या है, वो सभी पता चल जाए। इस वजह से आप इनवाइस की जगह पे बनाते हो प्रोफार्मा इनवाइस, कंसाइनर प्रोफार्मा इनवाइस बनाता है और मुझे भेजता है। प्रोफार्मा इनवाइस मतलब क्या, विच इज सिमिलर टू इनवाइस बट नॉट इनवाइस। तो इसमें आपने मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 100 बताने की बजाय, आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितनी है, 100 है, तो उस वक्त आपने 100 बताने की बजाय आपने मुझे बता दिया 200 पर, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस रियल में कितनी है, बोलो सभी, कॉस्ट प्राइस आपके रियल में कितनी है, 100, लेकिन बताते वक्त इनवाइस में आपने मुझे कितनी प्राइस बता दी, 200, तो इनवाइस में जो प्राइस बताया वो कितनी है, 200, तो कॉस्ट प्राइस 100, इनवाइस प्राइस 200 है, समझ में आ गया। मतलब आपने बड़ा चढ़ा के कॉस्ट प्राइस बताई कि मुझे मुझे पता नहीं चलेगा, आपने अगर रियल कॉस्ट बताई नहीं, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर 100 रुपीज का 200 रुपये में बता दिया, आपने बढ़ा के बता दी ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ के बता दी, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ा आपने, कितना जोड़ा है, 100 रुपये कॉस्ट है, और आपने मुझे बताया 200, कितना अमाउंट एक्स्ट्रा बताया आपने, 100 एक्स्ट्रा बता दिया, 100 एक्स्ट्रा अमाउंट बता दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट बताया ना, उसे लोडिंग कहा जाता है, इसे कहा जाता है लोडिंग कहा जाता है। प्रैक्टिकली ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट या लोडिंग या इनवाइस प्राइस अलग है, ये किसे पता होता है, सिर्फ कंसाइनर को पता होता है। कंसाइनर को पता होता है क्या, नहीं, उससे छुपाने के लिए तो हमने बड़ा चढ़ा के प्राइस बताया ना, तो उसको लोडिंग थोड़ी ना बता देंगे। तो कंसाइनर को पता है कि 100 रुपये का गुड्स कितने में भेजा, 100 रुपये का गुड्स कितने में भेजा, 200 में बताया, उससे बोला गया सेल करो 300 में, क्लियर। तो इनवाइस में जो प्राइस लिखी है कंसाइनर को बताई गई, वो है इनवाइस प्राइस, और कॉस्ट प्राइस जो सच में आपको वो गुड्स परचेस करने के लिए, बनाने के लिए खर्च आ गया, वो होती है कॉस्ट प्राइस। तो आपने मुझे रियल में 100 रुपये इनवाइस, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, और मुझे बता दिया 100 रुपये ही इनवाइस में लिख दिया, तो कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस सेम हो गई ना। हो सकती है कि आपने जो कॉस्ट प्राइस है उसी प्राइस को इनवाइस में लिख दिया है, तो कॉस्ट प्राइस एंड इनवाइस प्राइस में भी सेम। बट इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड इनवाइस प्राइस इज 200, देन ऊपर का जो 100 है उसे लोडिंग कहा होता है, कहा जाता है, और ये किसे पता होता है, सिर्फ कंसाइनर को पता होता है। आ रहा समझ में, ठीक है, ध्यान सुनना। तो ये जो लोडिंग है, तो मैं क्या कहता हूं, कॉस्ट प्राइस पर प्लस लोडिंग, कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग इज इक्वल टू
इनवॉइस प्राइस। तो अपने कॉस्ट प्राइस कितनी बताई 100, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना बताया लोडिंग, लोडिंग मतलब एक्स्ट्रा 100, और तो इनवॉइस प्राइस कितनी आ गई 200, कितनी आ गई इनवॉइस प्राइस 200। ठीक है, इन शॉर्ट अगर परसेंटेज में मैं बात करता हूं तो परसेंटेज में ये जो 100 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 100 है और लोडिंग भी 100 है, तो ये लोडिंग जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 100% है, मतलब जितनी कॉस्ट है उतनी लोडिंग है ना। तो ये लोडिंग मैं अगर कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करता हूँ, इफ आई एम कंपेयरिंग 100 रुपीज लोडिंग विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100, देन परसेंटेज कितने हैं 100% लोडिंग है, मतलब 100% मतलब क्या, जितना कॉस्ट है उतनी ही लोडिंग है। बट इफ आई एम कंपेयरिंग दिस 100 रुपीज विद द 200, मतलब इनवॉइस प्राइस, दिस लोडिंग इज कंपेयर्ड विद द इनवॉइस प्राइस ऑफ 200, तो बोलो परसेंटेज कितना दिख रहा है, लोडिंग जो है वो इनवॉइस प्राइस की कितनी है, 100% है कि 50% है, 50% है, 50% है। तो प्रॉब्लम में क्या होता है ये आपको समझना है, क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में बहुत सी बार आपको कॉस्ट प्राइस दी जाती है बट लोडिंग जो है ना वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर दी जाती है, मतलब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस दी गई तो लोडिंग भी चाहिए, लोडिंग भी किस पे चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे चाहिए, मुझे लोडिंग भी कॉस्ट प्राइस पे चाहिए, और इनवॉइस प्राइस दी है तो मुझे लोडिंग भी, लोडिंग भी किस किसके ऊपर चाहिए, इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही चाहिए। बोलो फिर से, कॉस्ट प्राइस दिए तो लोडिंग भी किस ऊपर चाहिए, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस दिए तो लोडिंग भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही बतानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मुझे कॉस्ट प्राइस दिया बट लोडिंग इनवॉइस प्राइस के ऊपर दी, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करना गलत है। तो अगर कॉस्ट प्राइस दी हो, प्राइस कौन सी दी है, कॉस्ट दी है, बराबर, कॉस्ट कितनी है 100, आपकी कॉस्ट कितनी है 100 है, आपको लोडिंग जो है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर बता रही 50%, तो मैंने डायरेक्टली किया कॉस्ट प्राइस प्लस 50% लोडिंग इज इक्वल टू 150, 150 पे क्या, नहीं गलत हो जाएगा आपका। तो आपको पहले लोडिंग को इनवॉइस प्राइस से कन्वर्ट करके कॉस्ट प्राइस पे लाना पड़ेगा, या फिर उल्टा भी तो हो सकता है ना, आपको इनवॉइस प्राइस दी बट लोडिंग कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही, तो उस केस में आपको लोडिंग कॉस्ट प्राइस के ऊपर पता है ना, तो उससे कन्वर्ट करके इनवॉइस प्राइस पे लाना पड़ेगा, बराबर। ये रब ने बना दी जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी मतलब क्या, ये जो जोड़ी दिख रही है ना आपको, कॉस्ट प्राइस और लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, ये रब ने बना दी जोड़ी है, कैलकुलेशन में आपको वैसे ही यूज करना है, ठीक है, ऐसे क्रॉस नहीं चलेगा, यहाँ इसका वहां पे उसका यहाँ पे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिए और इनवॉइस प्राइस ऑन लोडिंग दिए, तो मुझे लोडिंग किसके ऊपर चाहिए थी, कॉस्ट प्राइस, जो प्राइस दी उसके ऊपर ही, तो मैं लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस को बोलूंगा जाके बुला के लाओ किसे, लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस को, एंड देन इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन चलेगा, क्लियर। देन हाउ टू कन्वर्ट इट, ध्यान देना हाउ टू कन्वर्ट इट, जैसा मैंने एग्जांपल बता दिया, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 100% है तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर 50% है, वैसे ही और एक लेके चलते हैं, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज 50% है, मतलब 50, और इनवॉइस प्राइस है 150। इफ यू कंपेयर दिस 50 विद द 100, देन 50% दिखा दे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना दिखता है 50%, और कितना दिखता है 50%, और इफ यू कंपेयर दिस 50 विद द 150, 50 विद द 150, 150 के साथ कंपेयर करते हो तो कितना दिख रहा है मुझे, 1/3, 150 का 50 कितना है 1/3, बराबर, 1/3 मतलब परसेंटेज में आप देखते हो, परसेंटेज हमेशा 100 में कैलकुलेट किए जाते हैं, बराबर ना, हमेशा परसेंटेज 10% ऑफ व्हाट, 100, 100 में कैलकुलेट किए जाते हैं, तो 100 का 1/3 मतलब कितना आता है 33.33%, आ रहा समझ में, क्लियर। तो ये मुझे अगर कॉस्ट प्राइस दी है तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 50% परसेंटेज है तो लोडिंग इनवॉइस प्राइस 150, लेकिन आपको इनवॉइस प्राइस दी है तो वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर 50% नहीं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 50% है तो वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर 33.33% है। उस तरह से टेबल बनाया, टेबल यहाँ पे बनाया, ये कैलकुलेशन आप एग्जाम में बार बार थोड़ी ना कर पाओगे, इतना टाइम थोड़ी ना एग्जाम में होगा, तो मैंने यहाँ पे बताया कॉस्ट प्राइस पे 100 तो इनवॉइस प्राइस पे 50 है, 50 होता है। अगर पहली बात आपको ये देखना है कौन सी प्राइस दी है, प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस दी है तो परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, प्राइस अगर इनवॉइस प्राइस दी है तो परसेंटेज भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर, नो डाउट। ठीक से पढ़ लेना प्राइस कौन सी दी है, ये प्राइस इज गिवन कॉस्ट प्राइस, इन लोडिंग भी परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही चाहिए, मतलब 100%, बट ये प्राइस इज इनवॉइस प्राइस, तो जो परसेंटेज है वो इनवॉइस प्राइस की चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस पे 100% होता है तो इनवॉइस प्राइस पे वही कन्वर्ट करके 50% होता है, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है,
कॉस्ट पे 100% होगा तो इन्वॉइस प्राइस पे 50%। वैसे ही कॉस्ट पे 50% होगा तो वो इन्वॉइस प्राइस पे 33.33% होगा, वो भी कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया। आगे कॉस्ट पे 33.33% होगा तो इन्वॉइस प्राइस पे 25% होगा, कॉस्ट पे 25% होगा तो इन्वॉइस प्राइस पे 20% होगा, और कॉस्ट पे 20% होगा तो इन्वॉइस प्राइस पे 16.67% होगा। क्लियर? ध्यान से सुनना कौन से स्टेजेस है, 100, 50, 33.33%, 25%, 20%, 16.67%। फटाफट बताओ कितना, 100, 50, बाद में कितना, 33.33%, 25, 20, अगेन 16.67%। ये स्टेप्स है, फिर से बोलो, 100, 50, बाद में कौन सा 33.33%, बाद में कौन सा 25%, बाद में 20%, बाद में 16.67%। इतने स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अभी आप देखो, मैं अगर बोलता हूं इसे याद कैसे रखा जा सकता है, मैं अगर आपको बताऊं, मैंने आपके पास से 200 रुपए लिए थे, उसमें से मैंने 40 वापस कर दिए। आपके पास से मैंने 200 लिए थे, उसमें से मैंने 40 वापस कर दिए। क्लियर? तो कितना परसेंटेज मैंने वापस कर दिया, 200 में से 40 मतलब 20 रुपए, 10% होते ना, मैंने आपको 20% वापस किया, 20% वापस किया। मतलब अमाउंट अगर 200 हो तो ये 40 कितना बन गया, अमाउंट अगर 200 हो तो 40 कितना बन गया, 20%। लेकिन अगर मैंने आपके पास से 400 रुपए लिए हो, उसमें से 40 वापस कर दिए, तो कितना बन जाता है, 10% बन जाता है, मैंने आपको 10% वापस किया। मतलब 200 रुपए के साथ मैंने 40 रुपए कंपेयर किए, मतलब लोडिंग अगर मैंने 200 रुपए के साथ कंपेयर किए तो कितना आ जाए, 20%। बट इफ आई एम कंपेयरिंग दिस रिपेमेंट या 40 रुपए विद द इनवाइस प्राइस या 400, तो उस केस में कितना आ जाए, 10% आया। मतलब आप अगर जिस अमाउंट के साथ कंपेयर कर रहे हो वो अमाउंट चेंज करते हो तो आपका परसेंटेज चेंज हो जाता है। तो आपने उसे 200 के साथ कंपेयर किया तो 20% आया, 400 के साथ कंपेयर किया तो 10%। मतलब अमाउंट जब कम थी 200 तो परसेंटेज कितना आया था, हायर 20%, बट अमाउंट जब बढ़ गई 400 तो परसेंटेज कितना आ गया, कम आ गया। मतलब एक रूल इससे बनता है, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा। क्या रूल बनता है बोलो, अमाउंट ज्यादा हो तो उसके ऊपर परसेंटेज कम दिखाई देते हैं, 400 के ऊपर 40 10% होता है, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, मतलब क्या, 200 के ऊपर 40 20% दिखाई देता है। क्लियर? तो बोलो रूल क्या है, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा। कोई बोल सकता है कंटिन्यूअसली 10 बार, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, उस तरह से क्या बोलना है, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, ऐसे 10 बार बोल सकते हो, ट्राई कर लो। मैं हमेशा लाइव क्लास में कॉम्पिटिशन लेता हूँ, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है, बड़ा चढ़ा के बोली ना, और कॉस्ट प्राइस कम होती है। तो इनवाइस प्राइस के ऊपर ज्यादा है ना तो परसेंटेज कम दिखते हैं कंपैरिजन में, कॉस्ट के कंपैरिजन में, और कॉस्ट प्राइस कम होती है ना तो परसेंटेज कंपैरिजन में ज्यादा दिखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके सामने, अगर कॉस्ट प्राइस पे 100% हो, मतलब परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो इनवाइस प्राइस पे कितना दिख रहा है, परसेंटेज कम दिख रहा है। तो मैंने जो स्टेप बता दिए, 100, 50, 33.33%, 25%, 20%, 16.67%, ये जो मैंने आपको परसेंटेज बता दिए, तो इसमें से आपको दिया हो, सिंपल बात है, आपको दिया हो 33.33% ऑन इनवॉइस प्राइस, 33.33% ऑन इनवॉइस प्राइस ऐसा दिया है, लेकिन प्राइस देते हो कॉस्ट प्राइस दिए, तो मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर के परसेंटेज चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस इनवाइस प्राइस से ज्यादा होती है कम होती है, इनवाइस प्राइस से कम होती है, तो मैंने क्या बोला, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, तो परसेंटेज ज्यादा दिखना चाहिए। इनवाइस प्राइस पे 33.33% दिखना चाहिए तो दिखता है, तो कितना दिखना चाहिए, 50% दिखना चाहिए। तो अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा। देखो उन्होंने क्या दिया है, 33 पॉइंट, ये ऐसा दिया है, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस उन्होंने बोला परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे 25%, बट इनवाइस प्राइस इज 30,000, बट देते वक्त तूने प्राइस इनवाइस प्राइस दे, तो गलत है, ये जोड़ी नहीं बन भाई, ये रब ने बना दी जोड़ी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 25% ऑन कॉस्ट प्राइस ना, उसे परसेंटेज इनवाइस प्राइस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है इनवाइस प्राइस, तो इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है, तो अमाउंट ज्यादा इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है ना, तो अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, तो अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, तो 25% से कम कौन से स्टेप याद करना, 100%, 50%, 33.33%, 25%, 20%, 16.67%। तो अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, इनवाइस प्राइस हमेशा ज्यादा होती है, तो 25% से उस पर कम दिखना चाहिए, मतलब 20% ऑन इनवाइस प्राइस होता है। क्लियर?
तो याद रखना जो आपको स्टेप याद है ना, 150, 33.33%, 25%, 20%, 16.67%, इसमें से आपको क्या करना है, अगर इनवाइस प्राइस कॉस्ट प्राइस पे दिए, इनवाइस प्राइस की चाहिए तो इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है तो उसके ऊपर कम परसेंटेज होते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे जितने परसेंटेज दिए उससे कम वाला ले लो। अगर कॉस्ट प्राइस पे 50% दिया है तो इनवाइस प्राइस पे कम वाला दिखाई देगा, मतलब 30 उससे कम वाला कितना है, 50 से स्टेप में 33.33% है, क्लियर। अगर उन्होंने बोला है 16.67% इनवाइस प्राइस के ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर का परसेंटेज निकालना है, कॉस्ट प्राइस कम होती है कंपैरिजन में तो परसेंटेज ज्यादा होते हैं, 16.67% से ज्यादा वाले परसेंटेज कौन से है, तो वो है 20%, क्लियर। तो ये 100%, 50%, 50%। तो मेन बात, आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पॉज कर सकते हो, ऑब्वियसली वीडियो पे देख रहे हो आप ये, तो पॉज कर दो और ये ठीक से फिर से देख लेना, समझ लेना, लगता है तो फिर से उतना पार्ट देख लेना, बट ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए, क्लियर। क्यों? क्योंकि हर प्रॉब्लम में ये कन्फ्यूजन आ सकता है, आपको ये क्लियर हुआ ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर। तो इसे दूसरे वर्ड्स में भी कहा जाता है, क्या 50% को वन हाफ कहा जाएगा, 50% मतलब आधा, वन हाफ, 33.33% को क्या कहा जाएगा, वन थर्ड, 25% को क्या कहा जाएगा, वन फोर्थ कहा जाएगा, मतलब सिर्फ उसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है, कैसे 50% वन हाफ ऑन कॉस्ट प्राइस इज वन थर्ड ऑन इनवाइस प्राइस, वन थर्ड मतलब 33.33%, 100 का होता है ना वन थर्ड परसेंटेज में आप बात करते हो तो 33.33%। अभी अब देखो, वन हाफ बड़ा है या वन थर्ड बड़ा है, इन दोनों में से क्या बड़ा है, वन हाफ या वन थर्ड, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी अमाउंट जो है वो कम होगी, या आपको शायद से मैथ्स का रूल पता होगा, मैथ्स में पता होगा, तो आप मुझे बताओ कि क्या बड़ा है, वन हाफ या वन थर्ड, वन हाफ बड़ा है, तो मैंने वही बोला ना, अगे कॉस्ट प्राइस कम होती है तो उसके ऊपर ज्यादा मतलब वन हाफ, और इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है तो उसके ऊपर वन हाफ से कम होना चाहिए, मतलब कितना, वन थर्ड होना चाहिए, वैसे ही अगर कॉस्ट प्राइस पे वन थर्ड हो तो इनवाइस प्राइस पे वन फोर्थ होगा, कॉस्ट प्राइस पे वन फोर्थ हो तो इनवाइस प्राइस पे वन फिफ्थ होगा, कॉस्ट प्राइस पे वन फिफ्थ हो तो इनवाइस प्राइस पे वन सिक्स्थ होगा, कॉस्ट प्राइस पे वन टेंथ हो, 10% हो तो इनवाइस प्राइस पे वन एलेवंथ होगा, इस तरह से मतलब या तो परसेंटेज में याद कर लो या फिर वन हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ ऐसे याद कर लो, इट्स योर चॉइस, क्लियर। तो एक बार देख लेना इसे, इज इट डन, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, बाय बाय। इनवाइस प्राइस के ऊपर जनरली परसेंटेज कम दिखाई देता है कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, और अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, तो कॉस्ट प्राइस कम होती है ना उसके ऊपर जनरली परसेंटेज ज्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू परसेंटेज ऑन इनवाइस प्राइस, ठीक है। तो स्टेप मैंने आपको जो बता दिया उसमें से कम ज्यादा वो आप ढूंढ सकते हो, अभी इनवाइस प्राइस पे 25% दिया है, इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है उसके ऊपर 25% दिया है, तो आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है, कॉस्ट प्राइस तो कम होती है ना, कॉस्ट प्राइस तो इनवाइस प्राइस से कम होती है तो परसेंटेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, तो 25% से ज्यादा क्या है, 33.33%, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आगे लोडिंग दो टाइप की होती है, लोडिंग जो गुड्स भेजा था उसके ऊपर की लोडिंग हो सकती है, ठीक है, और दूसरा लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक बचा है कंसाइनी के पास, वो भी तो कंसाइनी को कौन से प्राइस पे पता है, इनवाइस प्राइस पे ही पता है, तो उसमें जो लोडिंग छुपी हुई है उसे कहा जा रहा है स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व इज लोडिंग इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना स्टॉक रिजर्व कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वही लोडिंग। 100 रुपए का गुड्स मैंने आपको 200 में भेजा, लोडिंग कितनी है 100, आपके पास 3 क्वांटिटी पड़े हुए, तो आप मुझे अकाउंट सेल भेजते हो, कहते हो कि 200, आपको तो 200 कंसाइनर को तो कितनी प्राइस पता है, 200 ही पता है ना कंसाइनी को, सॉरी तो बोलेगा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 600 का है, तो मैं खुश हो जाएंगे, 600 नहीं, 600 नहीं, मुझे पता है इसमें से 200 कॉस्ट नहीं 100 रुपए, और 100 रुपए लोडिंग है, क्लियर। तो ये जो 600 में पर यूनिट 100 रुपए का जो लोडिंग छुपा हुआ है, मतलब टोटल 3 यूनिट का 300 छुपा हुआ है, इसे हम स्टॉक रिजर्व बताते हैं या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग होता है उसे हम स्टॉक रिजर्व बुलाते हैं, क्लियर, इज इट क्लियर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मुझे बता देना,
गुड्स कैसे, गुड्स भेजे, पहला प्रोसीजर पढ़ा, गुड्स भेजे, सेल किए, बाद में पैसे आ गए तो सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट के टाइम पे प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड लेस कमीशन लेस एक्सपेंसेस लेस एडवांस इफ एनी। एडवांस में दो टाइप थे, एक तो नॉर्मल एडवांस पूरा माइनस कर देते हो, और एडवांस एज एन सिक्योरिटी ये उतना ही माइनस करोगे जितना सेल हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाद में एडवांस एज एन सिक्योरिटी प्रोपोर्शनलिटी एडजस्ट करना है, ये एक याद रख देना, ठीक है। आगे सेटलमेंट अमाउंट भेजने के साथ अकाउंट सेल भेजा जाता है, अकाउंट सेल में पूरे डिटेल भेजे जाते हैं, तो कंसाइनर उस बेसिस पे क्या बनाता है, कंसाइनर उस बेसिस पे क्या बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बराबर, और कंसाइनमेंट अकाउंट हर कंसाइनी के लिए सेपरेट बनेगा, और कंसाइनमेंट अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। तो ये सभी याद बातें मैंने अब जो बताई थी, मंत्र बताए थे, वो सभी याद रखने हैं, क्योंकि ये चैप्टर के लिए बहुत यूजफुल है, बराबर। बाद में कंसाइनर और कंसाइनी, इसके बीच में हमने देखा था क्या, कॉस्ट प्राइस छुपाई जाती है और इनवाइस में अलग प्राइस लिखी जाती है, तो इनवाइस प्राइस चेंज हो जाती है। तो मैंने बता दिया अमाउंट ज़्यादा तो परसेंटेज कम, तो इस तरह से मैंने समझा दिया। इसे पॉज करके फिर से लगता है तो एक बार देख लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर जो लोडिंग है उसे स्टॉक रिजर्व कहा जाता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो एक 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 दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दो, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन सिर्फ स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन के ऊपर, वो हम देख लेते हैं। पूरे यहाँ पे जो MCQs है वो लेना पॉसिबल नहीं होगा, कुछ सैंपल MCQs मैं लेने वाला हूँ जिससे आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्लियर? कंसेप्ट समझाना ये टारगेट है। तो यहाँ पे देखो, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, नॉट ऑल द क्वेश्चन, सिर्फ मुझे कंसेप्ट समझानी है, ठीक है, ध्यान दो। देखो पहला, राम ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, तो कौन सी प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस, तो परसेंटेज भी मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया है क्या वो देखना पड़ेगा। वाई मुंबई 20%, वाई मुंबई एट 20% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो यही तो मैं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि वो कॉस्ट प्राइस देंगे और परसेंटेज देंगे इनवाइस प्राइस के ऊपर, तो ऐसे जोड़ी जम पाएगी क्या, कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज इनवाइस प्राइस के ऊपर नहीं जम पाएगी। तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दो, तो परसेंटेज किस पे है, कितना, 20% ऑन इनवाइस प्राइस दिया, जो प्राइस दी उसके ऊपर के परसेंटेज चाहिए थे, तो इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है तो उसके ऊपर 20% दिख रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कम होती है कंपेरिजन में, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या दिखना चाहिए, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, तो 20% से ज्यादा दिखना चाहिए, मतलब कितना, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस ये दिखना चाहिए। 20% इनवाइस प्राइस पे है ना, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना दिखना चाहिए, कॉस्ट तो कम होती है ना, उस पे परसेंटेज ज्यादा दिखना चाहिए, मतलब ज्यादा मतलब कितने, 25%, याद है स्टेप्स, 100, 50, 33.3%, 25, 20, तो 20 से ज्यादा क्या था, 25, तो 25 यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ पे क्या बताएं, 25% ये मुझे मिल गया, कॉस्ट के ऊपर के परसेंटेज मिल गए। अभी क्या बताएं, 1/10 ऑफ द गुड्स वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड हाफ ऑफ द बैलेंस गुड्स वेर सोल्ड, 10% गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड हाफ ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड, द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो मुझे स्टॉक रिजर्व, मैंने क्या बोला था, स्टॉक रिजर्व मतलब क्लोजिंग स्टॉक की में जो लोडिंग है उसे स्टॉक कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेता हूँ, 1 लाख में से 1 लाख जो कॉस्ट है उसमें से 1/10 लॉस हो गया, तो बचा था 90,000, उसमें से 50% हाफ सेल किया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50%, तो देखो 1 लाख में से माइनस लॉस 1/2 क्या है, सोल्ड, चलो 45,000, तो बाकी 45,000 ये क्या है, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट है ये, क्योंकि हमने स्टार्ट किससे किया था, कॉस्ट से ना, तो अभी भी क्या है, कॉस्ट, भाई उन्होंने देते हो 20% ऑन इनवाइस प्राइस दिया था, बट मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया, 20% ऑन 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो बोलो मुझे मिल गया यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, बराबर, तो 45,000 इंटू 25%, बराबर कॉस्ट है और कॉस्ट के ऊपर के परसेंटेज भी पता चल गए, तो 45,000 इंटू 25%, तो आप मुझे बता दो कितना आ जाएगा, 45,000 इंटू 25%, 45,000 इंटू 25% कितना आ जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गई, ये पहला आंसर, इसमें दो तीन है,
नीचे के नहीं, 11250 पहले वाला ऊपर का, 11250, अरे तो 11250 आ जाएगा, इज इट क्लियर। दूसरा भी देख लेते हैं, ऑन 1 जुलाई कृष्णन ऑफ चेन्नई कंसाइन 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू दिजाज ऑफ हैदराबाद, कॉस्ट 7500 है, कॉस्ट है ना ये, वंस अगेन इट इज कॉस्ट, इट इज कॉस्ट कितनी है 7500, एट प्रोफॉर्मा इनवाइस ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स कंसाइनमेंट अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय लोडिंग। तो इन्होंने देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कॉस्ट नहीं बताते, हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि तुम्हें 200 में ये गुड्स बेचने, इनवाइस में डायरेक्टली लिख दिया 200, बेचना भी कितने में 200, तो कभी कभी इनवाइस प्राइस और सेल प्राइस सेम हो जाती है, तो उसमें लोडिंग जोड़ दिया, लोडिंग कितना जोड़ दिया, ठीक है, एट 25% ऑन सेल्स बताया, मतलब सेल्स 25% ऑन सेल्स, यही आपकी क्या हो जाएगी इनवाइस प्राइस बन जाएगी, क्योंकि इनवाइस में आपने यही प्राइस बता दी है। तो वंस अगेन वही रूल अप्लाई करना है, मतलब इन शॉर्ट ये आपकी इनवाइस प्राइस ही है, क्लियर। तो ध्यान दो 25% कॉस्ट दिया, लेकिन 25% किस पे दिया है, सेल्स मतलब इनवाइस प्राइस पे दिया है, 25% ऑन इनवाइस प्राइस इज इक्वल टू, बोलो 20% सॉरी कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना होता है, कॉस्ट प्राइस कम है ना, तो परसेंटेज क्या होते हैं ज्यादा, 25% से ज्यादा कितना आ जाएगा 33.33%, तो 7500 इंटू 33.33%, राउंड अप कर लेना, फ्रैक्शन में आता हो तो राउंड अप कर लेना नियरेस्ट रुपीज पे, तो ये आ जाता है 2500, कितना आ जाता है 2500, डन। आगे एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 500 बैग्स टू बाय कॉस्टिंग रुपीज 400 ईच एट इनवाइस प्राइस ऑफ 100, यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली पता चला 500 रुपए इनवाइस प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, तो 100 रुपए का लोडिंग है, क्लियरली पता चल गया, परसेंटेज में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए का लोडिंग है, 500 रुपए इनवाइस प्राइस है और 400 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो एक बैग की 500 रुपए इनवाइस प्राइस है, 400 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो 100 क्या है, 100 क्या है बोलो, 100 ये आपकी क्या है लोडिंग है, और कितना स्टॉक बचा है देखो, स्टॉक रिजर्व मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में जो छुपा होता है वो स्टॉक रिजर्व होता है ना, 400 बैग्स वे सोल्ड आउट ऑफ कितने, 500 बैग में से 400 बैग भेजे, मतलब 100 बैग्स रिमेनिंग है, 500 बैग भेजे उसमें से 400 बेचे, 100 बैग्स रिमेनिंग है, और 100 क्या है लोडिंग है पर बैग, तो 100 × 100 कितना आ जाता है, 100 × 100 कितना आ जाता है 10,000 आ जाता है, 10,000 आ जाता है, अब यहाँ पे परसेंटेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली बताया था 100 रुपीज लोडिंग है, 500 रुपए इनवाइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस 400, तो 100 लोडिंग है और कितने बैग्स हैं 100 बैग्स है क्लोजिंग में। आगे ये सेटलमेंट का है, रैबिन कंसाइन गुड्स सेटलमेंट, आपको याद है ना कैसे किया जाता है, तो बताओ सेटलमेंट कैसे किया जाता है, सेटलमेंट का तरीका क्या है, सेल प्रोसीड फॉर्मूला वही यूज करना है, सेल प्रोसीड लेस कमीशन ऑफ कंसाइनी लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर लेस एडवांस इफ एनी, और एडवांस के लिए ये एज एन सिक्योरिटी एडवांस है ऐसा बताया ना हो तो हम नॉर्मल एडवांस है ऐसा मान के चलते हैं, तो चलो यहां पे वही सेल प्रोसीड फॉर्मूला वही सेल प्रोसीड लेस कमीशन, लेस कमीशन लेस एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी लेस एडवांस इफ एनी, तो आपको मिल जाता है कितना सेटलमेंट है, ये आपको पता चल जाएगा, क्लियर। तो चलो बोलो यहां पे रैबिन कंसाइन गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 8250 टू राज ऑफ कानपुर, तो गुड्स भेजे, ये कोई सेल की वैल्यू नहीं है, बहुत से स्टूडेंट गलती से 8250 सेल प्रोसीड में लिख देते हैं, आगे देख लेते हैं, राज ऑफ कानपुर एंड पेड फ्रेड एसेट्रा 650 एंड 400, ठीक है, तो ये किसका खर्च है, रैबिन ने जब गुड्स भेजे तब 650 और 400 खर्चा किया, मुझे चाहिए कंसाइनिंग का खर्च है। आगे ड्रू अ बिल फॉर 3 मंथ आफ्टर डेट एंड 3000 एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट, एज इन सिक्योरिटी नहीं बोला है, सिर्फ एडवांस बोला है, मतलब ये नॉर्मल एडवांस है, तो यहां पे देखो
नॉर्मल एडवांस यहां पे मैं 3000 माइनस लिख दूंगा। आगे आगे एंड डिस्काउंटेड बिल फॉर 2960, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कंसाइनर ने आगे उसे डिस्काउंटिंग कर लिया, लेकिन जब बैंक मेरे पास पैसे, कंसाइन के पास पैसे मांगने हैं बैंक को, तो 3000 ही देने पड़ेंगे, तो मैंने 3000 कट कर लिए, 2960, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप बोलोगे सर रियल में तो कंसाइनर को 2960 ही मिले, बट वो तो उसको पैसों की जरूरत थी इस वजह से उसने डिस्काउंट करा लिया, उसका नुकसान नहीं है। ठीक है, बैंक जब मेरे पास आएगी बिल लेके, डिस्काउंटिंग किया हुआ बिल वो मेरे पास आएगी क्यों, क्योंकि मैंने साइन किया, मुझे कितना पे करना है 3000, तो 3000 माइनस किया। रिसीव्ड अकाउंट सेल फ्रॉम राज शोइंग दैट पार्ट ऑफ द गुड्स हैड हैड रियलाइज ग्रॉस 8350, तो पार्ट ऑफ द गुड्स सेल का कितना मिला 8350, ठीक है। आगे एंड दैट हिज एक्सपेंसिस इन कमीशन अमाउंटेड रुपीज, ओ उसका एक्सपेंस मतलब कितना कंसाइनी का और कमीशन 807, दोनों कंबाइन दिया है, दोनों कंबाइन दिया है, अलग अलग नहीं दिया होता तो अलग अलग देते हैं, तो यहाँ पे कंबाइन 8350 माइनस 870 माइनस 3000, कितना था बोलो, 8350 माइनस 4480, बाबे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। तो ये मैंने स्टॉक रिजर्व बता दिया अभी तक जो जो पढ़ा दिया, तो स्टॉक रिजर्व का एक बार वंस अगेन अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो देख लेना, उसके ऊपर आगे बहुत डिपेंडेंट है। आगे कमीशन, कमीशन की बात करते हैं, कमीशन कमीशन ध्यान देना, ये कंसर्न और कंसाइनी को कमीशन देगा। कमीशन के टाइप्स कौन से है, वन इज हेडिंग अगर कहते हैं तो ऑर्डिनरी एंड स्पेशल है, और स्पेशल के अंडर फिर से दो है, वन इज डेल क्रेडिट अनदर इज ओवरराइडिंग। तो ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, पेएबल टू ईच कंसाइनी ऑन ग्रॉस सेल, याद रखना ग्रॉस सेल किस पे, ग्रॉस सेल पे होता है, ये ग्रॉस सेल पे होता है। और स्पेशल कमीशन, हर कंसाइनी को ऑर्डिनरी कमीशन तो मिलता ही है, तो प्रॉब्लम में अगर कुछ बोला ना हो, बोला कि 10% कमीशन, तो ये ऑर्डिनरी कमीशन होता है, क्लियर। तो ऑर्डिनरी कमीशन तो मिलेगा ही, तो स्पेशल कमीशन तभी मिलेगा जब कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में डिस्कशन हो गया हो, डिसाइड हो गया हो कि हम स्पेशल या एडिशनल कमीशन भी देंगे। तो स्पेशल या एडिशनल कमीशन में दो टाइप के कमीशन हो सकते हैं, पहला कमीशन हो सकता है डेल क्रेडिया कमीशन। व्हाट इज डेल क्रेडिया कमीशन, इसे ठीक से सुनना कि आपने मुझे बोला कि गुड्स बेच दो और जो भी पैसे आते हैं वो मुझे दे देना, कमीशन कट करके, क्लियर। लेकिन मैंने गुड्स बेचे, उधारी पे गुड्स बेचे, आपने अलाउ किया था उधारी पे गुड्स बेचना, क्योंकि बेचना पड़ता है सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैंने गुड्स आगे उधारी पे बेच दिए, और उधारी पे बेचने के बाद जिस पर्सन को उधारी पे गुड्स बेचे थे, उस पर्सन, मैं कंसाइनी हूं, उस पर्सन ने पैसे देने से मना कर दिया, तो ये जो बैड डेट्स हो गए, ये किसका नुकसान है, ये मुझे लेना पड़ेगा नुकसान अपने ऊपर, या ये नुकसान कंसाइनर का है। तो याद रखना, मैं एजेंट हूं और मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रिंसिपल, तो आप उस बैड डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो नॉर्मली बैड डेट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ओके, मैं ये सुन के खुश हो गया कि जब भी बैड डेट्स होते हैं उसका नुकसान किसको होगा, कंसाइनर को। तो मैंने क्या किया, मैंने आगे से एक बात स्टार्ट कर दी कि मैं किसी को फेक सेल, फेक मतलब झूठा सेल, हुआ ही नहीं सेल ऐसा दिखाने लगा, कोई तो नाम यूज कर रहा हूं, ठीक है, रजत चतुर्वेदी ऐसा कोई तो इनवाइस बना दिया, वो कोई है ही नहीं वहां पे, ठीक है, बना दिया क्रेडिट पे सेल किया ऐसा दिखा दिया, और बाद में दिखा दिया कि ये बैड डेट्स है, पैसे मिले ही नहीं, और पैसे मिले नहीं तो आपको नुकसान है ना। तो मेरा फायदा क्या हो गया, एक तो दो बात हो गई, सेल ज्यादा दिख रही है इस वजह से मुझे कमीशन ज्यादा मिलेगा, हाँ वो सेल के ऊपर भी मुझे कमीशन मिलता है, पूरा ग्रॉस सेल के ऊपर ना, तो मुझे कमीशन मिल रहा है। दूसरी बात, ये जो झूठा सेल मैंने दिखा दिया ना, वो जो गुड्स है या वो आगे गुड्स बेच के मुझे जो पैसा मिल रहा है वो पूरा मेरा ना, क्योंकि आपको तो मैंने बैड डेट्स बता दिया। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया
कि आपको पागल बनाया जा रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया, ठीक है, कि ये बैड डेट जो दिखाते हैं ना, वो बैड डेट सच में है या नहीं पता नहीं, वो बैड डेट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो ये सच में है या नहीं, या मैंने उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, आपका ऐसा कहना है। तो आप मेरे पास आए, आपने बोला कि ठीक है जो भी बैड डेट्स होते हैं ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने बोला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैं तुम्हें कमीशन अभी 10% देता था ना, तो लगता है तो और 5% कमीशन सेल के ऊपर देता हूं, लेकिन बैड डेट्स आज से तुम खुद के ऊपर ले लो। आप कंसाइनर हो, मैं कंसाइन ही हूं, आपने बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ट्रांसफर करने के लिए बोला, नॉर्मली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपने बोला कि मैं ले लूँ और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कमीशन देने के लिए रेडी हो, कितना 5%। नाउ आई एम एग्रीड विद दिस, तो बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर शिफ्ट करने के लिए आपने जो कमीशन दिया वो है डेल क्रेडिया कमीशन, और ये कमीशन भी याद रखना ग्रॉस सेल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, स्टूडेंट इससे क्रेडिट सेल के ऊपर कैलकुलेट करते गलती से, अगर प्रॉब्लम में बोला हो क्रेडिट सेल के ऊपर ही कैलकुलेट करना है तो अलग बात है, बट कुछ बताया ना हो, सो डेल क्रेडिट कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस सेल, गलती मत करना, क्लियर। तो याद रखना कंसाइनर में ट्रांसफर रिस्क ऑफ बैड डेट्स टू कंसाइनी एंड ही विल पे एक्स्ट्रा कमीशन फॉर सेल, सच कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेटेड, क्या बोलो, कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस सेल, यहां पे लिखा हुआ है कौन सा, डेल क्रेडिट कमीशन। जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बैड डेट्स, जनरली यहां पे लिख देना बैड डेट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब कंसाइनर, तो अगर कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब मुझे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो ना, कौन बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर, तो कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट में उस लॉस को डेबिट कर देगा अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया हो, बट इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन देन इट इज लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनी, लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन दिया तो ये किसका लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसाइनी का लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंसाइनी को क्या मिल रहा है, देखो कंसाइनी को ये बैड डेट्स उठाने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है ना, तो कंसाइनी क्या करता है जब कमीशन मिलता है तो वो अपने अकाउंट में कमीशन अर्न दिखाता है, इनकम दिखाता है, बट ये इनकम एक्स्ट्रा मिलने के लिए उसका कुछ लॉस भी हो रहा है, जब इनकम मिलता है मैं कंसाइनी अपने बुक में कौन सा अकाउंट बनाता हूं, कमीशन अर्न, तो ये कमीशन अर्न अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर देता हूँ कमीशन जो मिलता है, अभी 10% नॉर्मल कमीशन है एंड 5% क्या डेल क्रेडिट है, ये मैंने 15% 10 लाख का जो सेल हुआ है उसके ऊपर 15% 1.5 लाख मैंने कमीशन अर्न को क्रेडिट कर दिया, मेरा इनकम है कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लेकिन वो 10 लाख में से 30,000 के जो डेटर्स है उन्होंने पैसा नहीं दिया, वो बैड डेट्स बन गए, तो मुझे 1.5 लाख का कमीशन मिलने वाला है बट 30,000 मेरे अकाउंट से कट होंगे, क्यों, क्योंकि बैड डेट्स हो गए और बैड डेट्स लेना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्यू टू डेल क्रेडिट कमीशन, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कमीशन अर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड, विल डेबिट मतलब कंसाइन और कंसाइनी, यहां पे डिट शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिटेल में लिखना, कंसाइनी विल डेबिट कमीशन अर्न अकाउंट इन हिज बुक, क्योंकि कमीशन के अगेंस्ट वो लॉस हुआ है ना, तो ये कंसाइनी डेबिट कर देगा, क्लियर। तो बोलो फिर से, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी कमीशन सभी सेल के ऊपर, पूरे सेल के ऊपर कोई टेंशन नहीं, ऑर्डिनरी कमीशन इज रिसीवेबल ऑन ग्रॉस सेल, बराबर, बाद में डेल क्रेडिट ये तब दिया जाता है जब कंसाइन और कंसाइनी के ऊपर बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देता है, ये भी ग्रॉस सेल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, बार बार बोल रहा हूँ ग्रॉस सेल, गलती से क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट मत कर देना एग्जाम में, ठीक है, तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया हो तो ये लॉस कंसाइन और का है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है वो, और डेल क्रेडिट कमीशन दिया हो तो ये लॉस कंसाइनी का है तो कंसाइनी अपने बुक में कमीशन अर्न अकाउंट जो बनाया उसने उसको डेबिट कर देगा, ये जो बैड डेट्स का लॉस हुआ है वो, क्लियर। आगे ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग मतलब क्या, एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन आपको कब मिलेगा, दो केस में, गिवन इन टू केसेस, फॉर सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, देखो ज्यादा एफर्ट्स कब लेने पड़ते हैं आपको, तब ओवरराइडिंग कमीशन कंसाइन और से मिल सकता है अगर डिसाइडेड हो तो। तो ज्यादा एफर्ट्स कब लेने पड़ते हैं, पहला फॉर सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मुझे कंसाइनों ने बोला कि न्यू प्रोडक्ट बेचने हैं, तो न्यू प्रोडक्ट बेचने हो मार्केट में किसी को पता नहीं हो तो कन्विंस करना पड़ेगा ना लोगों को, तो उस वक्त कंसाइन और मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दे सकता है, वो ओवरराइडिंग कमीशन कहा जाता है, एंड फॉर सेलिंग गुड्स एट हायर प्राइस देन नॉर्मल प्राइस। और दूसरा कंसाइनर मुझे बोलता है कि जनरली इसे 250 में बेचना है, अगर तुम उसे 300 में बेचते हो
तो ऊपर का जो 50 रुपए तुमने कमाया उसके ऊपर मैं 20% एक्स्ट्रा तुम्हें दूंगा, 10% तो दूंगा बट एक्स्ट्रा के ऊपर 20% और दे दूंगा। तो ये बन जाता है डेल कड़ी कमीशन गिवन इन टू केसेस फॉर सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड फॉर सेलिंग गुड्स एट हायर प्राइस देन नॉर्मल प्राइस, जहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। कैलकुलेशन मेथड इज गिवन गिवन क्वेश्चन में ही दी जाती है, अदरवाइज ग्रॉस सेल। तो ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट करने के मेथड जो है वो आपको कहां पे मिल जाएगी, यू विल गेट इट इन क्वेश्चन। अगर नहीं दी तो ग्रॉस सेल पे कैलकुलेट करना, बट मोस्टली आपको ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका कहां पे बताया होगा, ये क्वेश्चन में ही बताया होगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो तीन कमीशन लगता है तो वीडियो पॉज कर देना, पॉज करना और फिर से एक बार ये पढ़ लेना, अगर जल्दबाजी मत करना। क्लियर? तो कंसेप्ट समझ में आ गए तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना, मैंने एक्सप्लेन किया, बट हो सकता है कि कोई पॉइंट छूट गया या वहां पे कुछ कहीं पे छोटा सा कंफ्यूजन है, तो एक बार पढ़ लेना। क्लियर? एनी डाउट? नो? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूं मैं, ठीक है, उसके बाद में रिज्यूम कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन किसके बारे में? अबाउट कमीशन, कमीशन कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्यों? देखो, ये जो आपको मेन क्वेश्चन आने वाला है ना, वो मेन क्वेश्चन होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा। किसका कॉम्बिनेशन होगा? मतलब आपके जितने छोटे छोटे एमसीक्यूज है ना, वो एमसीक्यूज के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से हम पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। मैंने आपको वीडियो पॉज करने के लिए बोला था और एक बार रिवाइज करने के लिए बोला था, होप सो आपने रिवाइज किया होगा। तो ओवरराइडिंग कमीशन, इसमें मेन सीखने वाली बात जो है वो है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्यों? क्योंकि बाकी जो दो कमीशन है वो तो किस पे कैलकुलेट होते हैं? ग्रॉस सेल पे कैलकुलेट होते हैं। तो कौन सा ऐसा कमीशन है जिसके लिए मेथड आपको क्वेश्चन में मिलती है? वो है ओवरराइडिंग कमीशन। तो उसके कुछ एमसीक्यूज लेते हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, 1 लाख कॉस्ट के गुड्स भेज दिए टू वाइव दिल्ली, 3/5 ऑफ द गुड्स वे सोल्ड बाय कंसाइनी एट 70,000। तो 70,000 में 3/5, मतलब 1 लाख में से 3/5, मतलब कितने? 1 लाख के 3/5 कितना आता है? 60,000। 60,000 के गुड्स 70,000 में भेज दिए। कमीशन 2% ऑन सेल्स, ध्यान देना, कमीशन 2% ऑन सेल्स। अभी ये कौन सा कमीशन है, बताया क्या? नहीं बताया। अगर आपको बताया नहीं गया कौन सा कमीशन है, तो उस केस में क्या मानोगे आप? तो उस केस में आप ये मान के चलोगे कि ये कमीशन कौन सा है, दिस कमीशन इज ऑर्डिनरी कमीशन। कुछ बताया नहीं तो कौन सा कमीशन है? ऑर्डिनरी कमीशन है। क्लियर? ऐसा आप मान के चलोगे तो आप इसे ऑर्डिनरी कमीशन मानोगे। ये जो 2% है प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है ठीक से ये पढ़ के देखो, ये 20% वाला इतना इंपॉर्टेंट है, 20% से आगे वाला। 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स, 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस, ग्रॉस सेल में से लेस करना है ऑल कमीशन, सभी कमीशन, एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, मतलब सेल प्राइस आपकी जो है वो कॉस्ट प्राइस से जितनी ज्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस से जितनी ज्यादा है ना, मैंने आपको बोला था ना 1 लाख में से 3/5 गुड्स बेचे, मतलब 60,000 की गुड्स 70,000 में बेचे, तो एक्सेस कितना है कॉस्ट प्राइस, एक्सीडिंग कॉस्ट प्राइस कितना कमाया आपने? 10,000। ये 10,000 में से क्या माइनस करना है? ऑल कमीशन, और सभी कमीशन माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आती है उसके ऊपर 20% आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार यहां पे बताता हूं। तो देखो क्या बताया उन्होंने, कमीशन उसमें दो कमीशन है, दो, ठीक है, एक तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कमीशन कितना है 70,000 इंटू 2% विच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस सेल्स, तो ये कितना आता है 1,400, बराबर है, ये ऑर्डिनरी है। और दूसरा जो है वो कौन सा? ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी के बाद में सेकंड कौन सा? ओवरराइडिंग। तो बोलो ओवरराइडिंग कमीशन कितना होगा? ओवरराइडिंग, तो उन्होंने खुद बोला है कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं अलग कैलकुलेट करता हूं, वर्किंग नोट 1।
ठीक है, यहाँ पे दो लाइन दो तीन लाइन छोड़ के मैं नीचे एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, उन्होंने जैसा बोला है वैसा कैलकुलेट करना। देखो ये मैं अपने मन से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो तरीका बोला उस तरीके से कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो देखो वर्किंग नोट वन किसके लिए, ओवरराइडिंग कमीशन, क्या बोला है उन्हें, सेल सेल प्रोसीड एक्सीड, सेल प्रोसीड जितना एक्सीड होता है बढ़ जाता है, मतलब कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा कमाया, लेस कॉस्ट प्राइस। और उन्होंने क्या बोला है, लेस ऑल कमीशन, तो ऑल कमीशन बोला है उन्होंने, ऑल 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 कमीशन, कौन सा बोलो, ऑल कमीशन। तो ये जो ऑल कमीशन है इसका मतलब ये बनता है, इसमें से दोनों कमीशन माइनस करना है, ऑर्डिनरी कमीशन माइनस करना है और ओवरराइडिंग, दो तरह के कमीशन है ना यहाँ पे। ऑल मतलब इस क्वेश्चन में वैसे तीन है, बट इस क्वेश्चन में कौन सा दिया, दो, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन के लिए वही कमीशन हम यूज करेंगे जो क्वेश्चन में बताएं, तो ओवरराइडिंग कमीशन। सेल प्रोसीड कितना आया, 70,000। कॉस्ट से बढ़कर कितना कमाया, तो पहले मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ, 1 लाख का, 1 लाख का कितना है कॉस्ट, 3/5, मतलब कितना आता है, 60,000। तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 10,000। ऑर्डिनरी कमीशन आपको बताया गया, यस 1400 ऊपर कैलकुलेट करके हमने रख दिया है, कितना है, 1400 है। बट ओवरराइडिंग कमीशन पता है क्या, नहीं पता है भाई, उन्होंने क्या कहा था, सभी कमीशन माइनस होने के बाद में जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हमें क्या करना है, ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट करना है, बट सभी कमीशन माइनस करने के लिए आपको ओवरराइडिंग कमीशन पता है ही नहीं। तो आपको अभी क्या पता है, अभी क्या बताया, प्रॉफिट बिफोर ओवरराइडिंग कमीशन, लेकिन उन्होंने बोला था नहीं आपने सभी कमीशन माइनस कर दो इंक्लूडिंग ओवरराइडिंग, ऑल मतलब क्या है, इसमें ओवरराइडिंग भी आता है बट आपको पता ही नहीं ना। तो यहां पे प्रॉफिट कितना आता है, 8,600, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग ओवरराइडिंग कमीशन। एक्चुअली आपने ये भी कमीशन माइनस माइनस करना चाहिए था, बट ये कमीशन माइनस करने के लिए आपको ये कमीशन पता है क्या, नहीं है, यही तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए 20% बताया ना, बट उन्होंने अजीब तरीका दिया, अजीब तरीका क्या, 20% ऑन ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन, लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा आपने कमाया उसमें से ऑल कमीशन माइनस कर दो और जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर कितना, 20%। लेकिन ऑल कमीशन माइनस करने के लिए ओवरराइडिंग कमीशन मुझे पता नहीं है, अगर ओवरराइडिंग कमीशन पता नहीं है तो उस केस में अब ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे ऑल कमीशन माइनस करने के लिए बोला हो, बट ऑब्वियसली वो कमीशन हम माइनस नहीं कर सकते जिसका कैलकुलेशन चल रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी तक पता नहीं है। क्लियर, ये भी कमीशन माइनस करके जो वैल्यू आती उस वैल्यू के ऊपर 20%, बट ये कमीशन अभी तक माइनस हुआ ही नहीं है, करेक्ट है। तो इसके लिए यूज किया था प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 8,600, रेट कितना है 20 डिवाइड बाय 120, 100 प्लस रेट कितना 20% है ना, तो 120 आ जाता है। सो 8,600 इंटू 20 अपॉन 120, 8,600 इंटू 20 अपॉन 120 इज इक्वल टू कितना आता है, 1,433, कितना आया, 1,433, ये आपका आ गया कमीशन, 1,433, तो यहां पे लिख दो 1,433, आपका टोटल कमीशन आ जाए 2,833.33। ध्यान से सुनना, यहां पे जो बोला बोला है उन्होंने एक्सीडिंग कॉस्ट प्राइस, इसकी जगह पे एक्सीडिंग इनवाइस प्राइस भी आ सकता है, तो उतने गुड्स की इनवाइस प्राइस निकालो, मतलब टोटल गुड्स की इनवाइस प्राइस कितनी है आप पता कर सकते हो, 20% ऑन कॉस्ट है, तो ये 1,20,000, 1,20,000 आ जाएगी और उसका 3/5 ले लो, मतलब इनवाइस प्राइस आ सकता है या वो प्राइस स्पेसिफाई कर सकता है, मतलब पर यूनिट 250, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, पर यूनिट 250 रुपए से ज्यादा जितना कमाया होगा उसमें से सभी कमीशन माइनस कर दो और क्या कर दो, उसके ऊपर ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट कर दो। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट इसमें याद रखना है जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा जितना कमाया उसके ऊपर दे रहे हैं, कभी कभी वो इनवाइस प्राइस से ज्यादा जितना कमाया उसके ऊपर दे सकते हैं, कभी कभी वो प्राइस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 250 रुपए से ऊपर जितना भी तुमने सेल करके कमाया उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो वहां पे जितने यूनिट्स बेचे इंटू कितना, 250 पर यूनिट, अगर प्रॉब्लम में जैसा बताया मैं 250 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ वो चेंज कर सकते हैं, बट याद रखना
ऑर्डिनरी कमीशन तो कैलकुलेट होता है इजीली, ओवरराइडिंग कमीशन उन्होंने क्या बोला, टोटल सेल लेस ऑल कमीशन, कमीशन सभी माइनस करने, जो अमाउंट एक्सीडिंग कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कितना है, 70,000 में बेचा, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 60,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा है, 10,000 में ये हमने अलग अलग ऑर्डिनरी ओवरराइडिंग माइनस कर दिया। क्लियर, ओवरराइडिंग पता नहीं था तो हमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिला, बाद में प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हमने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर, आगे आगे क्या बोला है, ए ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली, द गुड्स आर टू बी सोल्ड एट 125% ऑफ कॉस्ट। देखो 125% ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, 100 प्लस 25% मतलब कॉस्ट प्लस 25%, 125% ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्लस 25% होता है, विच इज इनवाइस प्राइस, तो कॉस्ट प्लस 25% इनवाइस प्राइस है, कमीशन 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस। क्या बोला है, देखो एट इनवाइस प्राइस, जो सेल किया उसकी इनवाइस प्राइस, जो सेल किया उसकी इनवाइस प्राइस, उस पे कितना 10%, 25% ऑफ एनी सरप्लस अबो इनवाइस प्राइस, तो इनवाइस प्राइस जो भी आपने सेल किया उसकी इनवाइस प्राइस निकालो, उसके ऊपर 10%, और जो भी आपने सेल किया उसमें इनवाइस प्राइस से जितने ज्यादा प्राइस के लिए सेल किया उसके ऊपर कितना परसेंट, 25%। 10% ऑफ द गुड्स सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट इनवाइस वैल्यू ऑफ विच इज 12,500 वेर डिस्ट्रॉयड। देखो 10% गुड्स जिसकी इनवाइस प्राइस 12,500 थी वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, ट्रांजिट में जल गए होंगे। अगर 10% 12,500 है इनवाइस प्राइस, 10% की इनवाइस प्राइस 12,500 है, तो 100% की इनवाइस प्राइस कितनी होगी, 1,25,000, 1,25,000, 75% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट इज सोल्ड एट 1 लाख। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं वो, 12,500 ये क्या है, इनवाइस प्राइस ऑफ 10% गुड्स लॉस्ट, इफ 12,500 इज 10%, तो इसके 10 गुना 100% है ना, तो 12,500 इंटू 10 इज इक्वल टू 1,25,000 टोटल इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, ये है टोटल इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट। उन्होंने आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, हमें जितना बेचा उसकी इनवाइस प्राइस पे 10% देना है, और इनवाइस प्राइस से जो ज्यादा कमाया उसके ऊपर 25% देना है। तो आपने कितने में बेचा, 1,00,000 में बेचा, कितना, 75%, तो इसका 75% जो है ना, ध्यान दो आपने, आपने टोटल कितना बेचा, सेल, सेल 1,00,000, 1,00,000 अप टू इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड वी शाल कैलकुलेट 10% कमीशन, 10% कमीशन ऑन ऑन सेल, सेल कौन सा, इनवाइस प्राइस पे। देखो सेल कितना किया, 75% ना, और टोटल इनवाइस प्राइस कितनी, 1,25,000, उसका 75% आपने कैलकुलेट किया, इनवाइस प्राइस का 75% कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मुझे 10% जो कमीशन देना है वो इनवाइस प्राइस का, जो सेल है उसकी इनवाइस प्राइस, तो सेल कितना परसेंट है, 75%, तो 1,25,000 टोटल इनवाइस प्राइस है गुड्स की, तो उसका 75% कितना आता है, कैलकुलेट कर लो, तो कितना आता है, 93,750, कितना आता है, 93,750, और 93,750 के ऊपर 10%, ये 93,750 क्या है, टोटल गुड्स भेजे इनवाइस प्राइस पे 1,25,000 के, उसका 75% बेचा, मतलब जो गुड्स बेचे उसकी इनवाइस प्राइस से 93,750, उसका 10%, मतलब 9,375 ये कमीशन इनवाइस प्राइस तक 10%। अभी आपने इनवाइस प्राइस से ज्यादा कितना कमाया, तो 25, उसके ऊपर कितना कमीशन देना है, 25% कमीशन ऑन सेल अबव इनवाइस प्राइस, तो चलो 1,00,000 माइनस 93,750, और इसका कितना 25% ना, मतलब इनवाइस प्राइस से ज्यादा जितना कमाया आपने उसके ऊपर 25%, तो कितना कमाया आपने, 6,250 इंटू 6,250 इंटू 25%, कितना आता है बोलो,
6250 का 25%, वन लैख माइनस 93750 उसके ऊपर, 6250 उसके ऊपर 25% इज इक्वल टू 1562.5, उसमें 9375 ऐड कर दो, उसमें ऐड 9375 75 कितना आ जाता है, 10937.5, 10937.5, 10937.5 डन। तो जो सेल किया, मतलब जो सेल किया वो है 1 लाख। उन्होंने क्या बोला, जितना सेल किया उसकी इनवाइस प्राइस निकालो, तो टोटल गुड्स थे 1,25,000 की इनवाइस प्राइस पे, उसका 75% निकला 93750 उसके ऊपर 10%, और 93750 से ज्यादा जितना कमाया आपने, ठीक है, उसके ऊपर 25% तो ये आ गया इतना, तो दोनों मिला के आपको इतना कमीशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट है? बाद में देखो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख, कमीशन एग्रीमेंट 2% ऑन सेल प्लस 3% ऑन सेल एज डेल क्रेडियर, मतलब 2% नॉर्मल कमीशन, 3% डेल क्रेडियर कमीशन, बोलो 2% नॉर्मल, 3% डेल क्रेडियर। तो डेल क्रेडियर कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बोला था क्रेडिट सेल पे नहीं, किस पे, ग्रॉस सेल पे। तो भले ऑर्डिनरी कमीशन हो या डेल क्रेडियर कमीशन हो, दोनों भी किस पे कैलकुलेट होता है, ग्रॉस सेल पे कैलकुलेट होते हैं। द एंटायर गुड्स इज सोल्ड बाय कंसाइनी एट 4 लाख, देखो आपको कितना मिलेगा, 4 लाख के ऊपर 2% ये ऑर्डिनरी और 3% ये डेल, सॉरी हाँ डेल क्रेडियर, तो टोटल 5% आपको मिलने वाला है इंक्लूडिंग डेल क्रेडियर। तो 4 लाख का 5% कितना आता है, 20,000। हाउएवर कंसर्न इज एबल टू रिकवर 3,95,000 फ्रॉम डेटर, बट डेटर से आप रिकवर कितना कर पाए, 4 लाख का सेल है, आपने रिकवर किया 3,95,000, मतलब 5,000 क्या है, बैड डेब्ट्स है। ध्यान दो, 4 लाख का बेचा बट रिकवर्ड 3,95,000 है, रिमेनिंग अमाउंट आप रिकवर नहीं कर पाए, तो ये बैड डेट्स है। अभी आप देखो बैड डेट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कंसाइनर हो, मैं कंसाइनी हूँ, आपने मुझे डेल क्रेडिट कमीशन दिया, आपने मुझे डेल क्रेडिट कमीशन दिया, तो बैड डेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी या मेरी, तो ऑब्वियसली मेरी है ना, क्योंकि मुझे डेल क्रेडिट कमीशन उसी लिए मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो मुझे टोटल कमीशन जो मिल रहा है वो 20,000 है। कमीशन अर्न कितना है, क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा, मेरे कमीशन अर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 20,000, बट बैड डेट जो है वो क्या किए जाएंगे, डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे 5,000। 5,000 कैसे बैड डेट्स पता चला, 4 लाख का सेल है और 3,95,000 क्या है, रिकवरी है, तो 5,000 के बैड डेट्स है। क्लियर, तो लिखो यहां पे, लिखो कमीशन अर्न इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, बोलो क्या ये कौन सा अकाउंट, कमीशन ऑन, क्वेश्चन नंबर जो भी है उसके लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बाय, किसके पास से मिलने वाला है मुझे कमीशन ऑन कंसाइनर, कितना 20,000। ये 20,000 कैसे आया, 4 लाख इंटू 5% इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग कौन सा कमीशन, डेल क्रेडियर, और बैड डेट्स कितने, 2, बैड डेट्स कितने, ये कंसाइनर के साथ या कंसाइनर के साथ जो कैलकुलेशन चल रहा है उसमें ही एडजस्टमेंट हो जाए, तो 4 लाख माइनस 3,95,000, देयरफॉर इट इज 5,000, ये क्या है, बैड डेट्स। तो आपका कमीशन अर्न नेट कितना आ जाएगा, बैलेंस कितना आ जाएगा कमीशन अर्न को, 20,000 इंटू पी एंड एल अकाउंट बैलेंस 15,000, इज इट क्लियर, तो यहां पे 15,000 आ गया है। क्लियर, ये भी है, जैसा कि 50 टेलीविजन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो कभी कभी रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब क्या रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बता सकते हैं कि बी सोल्ड 50 टेलीविजन एट 15,000 पर टेलीविजन, तो सेल प्रोसीड कितना आता है,
15,000 इंटू 50 7.5 लगाता है शायद से। ही वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 500 पर टेलीविजन, ये तो ऑर्डिनरी कमीशन हुआ, 500 पर टेलीविजन इंटू 50 टेलीविजन ना, ये तो ऑर्डिनरी कमीशन है। सोल्ड प्लस वन फोर्थ मतलब कितना आता है 25% ऑफ अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड, बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड, ग्रॉस सेल लेस टोटल कमीशन एक्सीड्स सम कैलकुलेटेड 12,500 पर टेलीविजन। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, एक्सीड्स इनवाइस प्राइस ऐसा देने की बजाय उन्होंने बोला 12,500 से ज्यादा जो आपने कमाया उसके ऊपर आपको हम एक्स्ट्रा 25% कमीशन दे देंगे। तो चलो ये भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ फटाफट। देखो ये हमने कैलकुलेट किया था, इसमें मैं अमाउंट डाल देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस्ट प्राइस की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, उन्होंने क्या बोला सेल प्राइस लेस कमीशन एक्सीड्स सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन। सबसे पहले सेल प्रोसीड कितना है 15,000 रुपीज इंटू कितने टेलीविजन, इंटू 50 टेलीविजन, 15,000 इंटू 50, देखो यहां पे 15,000 इंटू 50 कितना आता है 7.5 लाख आ जाएगा, इंटू 50 इज इक्वल टू 7.5 लाख। अभी 7.5 लाख ये तो आ गया, आगे 12,500 से आपने बेचा होता तो कितना सेल होता 12,500 इंटू 50, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है 12,500 से एक्स्ट्रा जो कमाया उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 25% मिलने वाला है, वो भी ऑल कमीशन माइनस करके, तो 6,25,000 कमाया होता। तो आपने इन शॉर्ट 7.5 लाख सेल प्रोसीड किया, ओके okay, और हमें किससे एक्सेस देखना है 12,500 रेट से, तो सेल वैल्यू इफ गुड्स सोल्ड एट 12,500 ईच टीवी, तो बोलो 50 इंटू 12,500 कितना आता है 6,25,000। तो आपका एक्स्ट्रा आपने कमाया 1,25,000, बट उसमें से सभी कमीशन माइनस करने, ऑर्डिनरी कमीशन कितना था 50 टेलीविजन इंटू 500, याद है ना 50 इंटू 500, ऑर्डिनरी कमीशन कितना है 50 टेलीविजन इंटू 500, 500 पर टेलीविजन इंटू 50 तो कितना आता है 525,000 आता है क्या, 50 इंटू 500 कितना आता है 25,000 आ जाता है। तो 25,000 ये कमीशन माइनस हो गया, ऑर्डिनरी कमीशन है ये 25,000, बट ओवरराइडिंग ये तो कैलकुलेट करने के लिए पूरा चल रहा है ना, तो चलो हमें क्या पता चल जाएगा प्रॉफिट बिफोर ओवरराइडिंग कमीशन, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है 1 लाख इंटू रेट कितना है 25 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, बराबर है, तो ऐसा आप कर दो 1 लाख इंटू 25 अपॉन 125 1 लाख इंटू 25 अपॉन 125 तो कितना था 20,000, तो आ गया आपके पास ओवरराइडिंग कमीशन, तो इसे ऐड कर दो। नॉर्मल अपना 25,000 था, 50 टेलीविजन के 500 के हिसाब से कितना था 25,000 था, और अभी 20,000 ओवरराइडिंग आ गया, 20,000 ओवरराइडिंग, तो टोटल कितना है 45,000। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वीडियो स्टॉप कर देना, आपको अगर सॉल्व करके देखना हो आप फिर से एक बार सॉल्व करके देख लेना क्लियर, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, वीडियो पॉज कर देना लगता है तो क्लियर, आप जल्दबाजी मत करना, आप कुछ कंफ्यूजन रहता है वो उसी वक्त क्लियर करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो चलो आगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ध्यान देना यहां पे एक डायग्राम बनाया कंसाइन और कंसाइनी, एग्जाम्पल लिया कंसाइन इज इन मुंबई, कंसाइन इज इन पुणे, अभी ये एग्जाम्पल लिया कंसाइन ने गुड्स भेजे, कंसाइन ने जब गुड्स भेजे तो कुछ खर्चे किए, ये खर्चे बार बार करने पड़ते हैं या तभी करने पड़ते हैं जब गुड्स भेजे जाते हैं,
तो ऑब्वियसली ये वाले खर्चे जो है ना वो तभी किए जाते हैं जब गुड्स भेजे जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग, रेगुलर नहीं है ना, तो इसे कहा जाता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या, रेगुलर। नॉन रिकरिंग मतलब क्या, कभी कभी होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रेगुलर। तो पैकिंग आता है, टैक्सेस आता है, इंश्योरेंस आता है, और ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चार्जेस पे किए किसने, कंसाइनर ने। तो ये जो खर्चे है, ये खर्चे क्या होते हैं, कभी कभी होते हैं, इस वजह से उसे कहा जाता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। आगे पुणे में गुड्स आ गया रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन से कंसाइनिंग गुड्स लेके गया गोडाउन में, बराबर। तो उसके लिए भी उसने कुछ टैक्स दिया होगा, लोडिंग अनलोडिंग इंश्योरेंस, रेंट, रेंट ऑफ गोडाउन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वन मिनट, रेंट ऑफ गोडाउन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए रेंट ऑफ गोडाउन। हाँ, तो उसने भी, क्योंकि देखो दो फेजेस मैंने आपको बता दिए, मुंबई से पुणे गुड्स आया, पुणे के रेलवे स्टेशन पे आ गया, रेलवे स्टेशन से हम कहाँ पे लेके गए, हम उसे लेके गए गोडाउन में लेके गए, क्लियर। तो इस वक्त जो रेलवे पुणे से मुंबई, उस वक्त जो खर्चा किया वो कंसाइनर ने किया, इसे कहा जाता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। बाद में पुणे स्टेशन से गोडाउन में लेके जाने का खर्चा किसने किया, कंसाइनी ने किया। ये भी तभी खर्च करना पड़ता है जब गुड्स आते हैं, अदर टाइम पे सिर्फ गुड्स सेल होते हैं, गोडाउन से गुड्स जाते हैं, ओके। तो बार बार गुड्स स्टेशन से हमें कहां पे नहीं लाने, गोडाउन में नहीं लाने, तो ये तभी खर्च होता है जब गुड्स आते हैं। जैसे गुड्स भेजने के लिए खर्चे हो गए कंसाइनर के, वैसे ही गुड्स रिसीव करने के लिए भी कंसाइनिंग खर्च हो गए। तो ये दोनों खर्चे कौन से, नॉन रिकरिंग। तो इसे क्या कहा जाता है, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, बराबर। और गोडाउन से आगे क्या होगा, गोडाउन रेंट, बाद में एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, शोरूम एक्सपेंसेस, ये रेगुलर होते हैं, गुड्स आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चे होते ही है, ठीक है। बाद में क्या, शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस। तो फिर से मुंबई से गुड्स आए पुणे में, तो उसके लिए किसने खर्च किया, कंसाइनर ने भेजने के लिए। तो कंसाइनर का खर्चा क्या है, नॉन रिकरिंग, नॉट रेगुलर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। गुड्स रिसीव करने के लिए किसने खर्च किया, कंसाइनी ने, तो भी क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। एंड तीसरा, गोडाउन के खर्चे जो है, या शोरूम एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये कंसाइनी खर्च करता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, रिकरिंग है। तो कंसाइनी के दो एक्सपेंसेस टाइप है, जो गुड्स लाने के लिए खर्च हुआ वो नॉन रिकरिंग है, नॉट रेगुलर, बट जो शोरूम का खर्च है, गोडाउन का रेंट है, वो तो रेगुलर है, उसे कहा जाता है रिकरिंग कहा जाता है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको कैसे करना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, जितना स्टॉक बचा है उतना वैल्यूएशन, उतने का वैल्यूएशन, जितना स्टॉक बचा है उतने का वैल्यूएशन। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स कौन से, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक जितना है उसकी कॉस्ट, प्लस उस गुड्स को गोडाउन में लाने के लिए, जहां पे वो गुड्स अवेलेबल है ना, अभी कहां पे, गोडाउन में है ना, किसके, कंसाइनिंग है, वो गोडाउन में लाने के लिए जो जो खर्च किया वो भी आपको उस गुड्स की कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है इन्वेंट्री के लिए, वो ये कहता है कि जब आप इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो उसमें उस गुड्स की परचेस प्राइस तो इंक्लूड करोगे, प्लस उस गुड्स के लिए जो खर्च आ गया वो भी इंक्लूड कर दोगे। ध्यान दो, मैंने अगर 1 लाख रुपए खर्च किए हैं 10 लाख के गुड्स भेजने के लिए, 10 लाख की गुड्स भेजने के लिए, तो जो मैंने गुड्स भेजे ना, वो सिर्फ 10 लाख के नहीं, अभी वो 11 लाख के हो गए, क्योंकि उसके लिए मैंने खर्च सिर्फ 10 लाख नहीं किया, अभी मैंने एडिशनल 1 लाख का खर्च किया, तब जाके ये गुड्स आपके पास पहुंचा है, तो आपके पास गुड्स की वैल्यू आते आते 11 लाख हो गई। मतलब मैंने क्या किया, खर्चे जोड़ दिए, कौन से खर्चे, नॉन रिकरिंग खर्चे जोड़ दिए। तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग खर्चे दो है, एक तो कंसाइनर ने किए, कंसाइनी ने किए, बाय गोडाउन में गुड्स है, किसने खर्च किया है, गोडाउन में लाने के लिए किसने खर्च किया, कंसाइनर और कंसाइनी। H2 का क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शाल इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री एट प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट कंडीशन, ऐसे सभी खर्चे हम ऐड कर दें जो गुड्स को प्रेजेंट कंडीशन पे लाने के लिए और प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए हो गए, ये गुड्स की वैल्यू में जाने चाहिए, गुड्स की वैल्यू में ऐड होने चाहिए। तो गोडाउन में गुड्स पड़ा है ना, तो गोडाउन में ऐसे थोड़ी ना आया, पहले तो कंसाइनर ने परचेस किया वो भी इंक्लूड कर दो, बाद में ट्रांसपोर्टेशन किया, बराबर, टैक्सेस वगैरह दे दी, वो भी खर्चे ऐड कर दो, एंड बाद में कंसाइनी ने गोडाउन में लाने के लिए खर्च किया वो भी ऐड कर दो। लेकिन कैसे ऐड करना है, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, जितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है उतने ही खर्चे ऐड कर दो। जैसे कि 10 लाख का गुड्स भेजने के लिए 1 लाख खर्च किया, मतलब कितना खर्च किया, 10%, मतलब कितना खर्च किया, 10%,
तो अभी जो गुड्स गोडाउन में बचे हैं ना, वो 3 लाख के हैं। कितना? 3 लाख के। तो अभी ये 3 लाख के जो गुड्स बचे उसमें 1 लाख ऐड कर दूं? नहीं, वो 1 लाख का जो खर्च था ना वो 10 लाख रुपए के गुड्स के लिए था। तो 3 लाख के गुड्स के लिए कितना खर्च हुआ था? 3 लाख के बटे 10%, मतलब 30,000। तो उतना ही ऐड कर दो जितना वो जो गुड्स बचे उसके लिए खर्च हुआ है। जितने गुड्स बचे हैं उसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो खर्च भी उतना ही ऐड करना चाहिए जितना गुड्स बचे हैं। क्लियर? तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। गोडाउन में लाने के लिए किसने खर्च किया? कंसाइनर और कंसाइनी। क्लियर? कौन सा खर्च किया? नॉन रिकरिंग वाला। वो प्रोपोर्शनेटली ऐड करना है, पूरा नहीं। जितना टोटल खर्च किया था उतना नहीं, जितने गुड्स बचे उतना ही ऐड कर देना है प्रोपोर्शनेटली। क्लियर? अभी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लॉस्ट इन गोडाउन। गोडाउन में कुछ स्टॉक जल गया, तो जो स्टॉक जल गया उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसका भी फॉर्मूला वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइन और प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइन। मतलब उतने ही खर्च ऐड कर दो। कौन से? उतने ही, मतलब कौन से? जितने उस गुड्स के ऊपर खर्च हुआ है। वो जो गुड्स है ना, वो जो गुड्स जल गए 10% ना, तो खर्चे भी उसमें 10% ही ऐड कर दो। बराबर? पूरे नहीं, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि मुझे 10%, मेरे पास जितने गुड्स थे ना उसमें से 10% गुड्स जल गए, तो उस गुड्स की प्राइस जो जल गए उसके प्लस जो खर्चे हो गए थे टोटल गुड्स के लिए, उसका 10% इस खर्चे में या गुड्स की वैल्यू में डाल दो, ताकि हमें गुड्स की वैल्यू करेक्ट पता चल सके। तो गोडाउन में गुड्स जल गया या गोडाउन में गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, दोनों के लिए कैलकुलेशन सेम होगा। क्या हमें क्या करना है? परचेस प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइन और प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइन, इस तरह से हमें करना है। आइए, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। बट देखो, ध्यान दो, गुड्स गोडाउन में हो तो कंसाइनों ने परचेस किया, कंसाइनों ने खर्च किया और कंसाइनी ने भी खर्च किया, तो तीनों हम लेते हैं। बराबर? बट ध्यान देना ठीक से सुनना। अगर गुड्स जल गए यहां पे या चोरी हो गए ट्रांजिट में, कहां पे? ट्रांजिट में। बराबर? तो जो गुड्स जल गए, जो गुड्स चोरी हो गए ट्रांजिट में, उसकी मुझे कॉस्ट निकालनी है। तो वो कैसे निकाली जाए? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा? जो गुड्स जल गए उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइन। ये तो ऐड करना है। कंसाइनी के ऐड करने? क्या नहीं करने? क्यों नहीं करने? क्योंकि कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने से पहले ही जल गया, ये पहले ही जला है। मतलब कंसाइनी ने उसके ऊपर खर्च किया नहीं है, और कंसाइनी ने खर्च नहीं किया है, तो कंसाइनी के खर्चे उस जो जो गुड्स जल गए उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करने का क्या सेंस बनता है? तो इस वजह से यहाँ पे देखो क्या बोला है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइन। अगर आपको इनवाइस प्राइस पे कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इनवाइस प्राइस पे भी कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे सिर्फ लेते वक्त क्या ले लो? इनवाइस प्राइस ले लो। इज इट क्लियर? इनवाइस प्राइस। तो बोलो फॉर्मूला क्या है, लॉस्ट इन गोडाउन या क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन? क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइन प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइन। ओके, ये मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा प्रोपोर्शनेट मतलब क्या आगे। और ट्रांजिट में जल गया तो कंसाइनिंग की ऐड मत करना, क्योंकि कंसाइनिंग खर्च अभी तक हुआ नहीं है। हाँ चलो, एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट एंड नॉट एट इनवाइस प्राइस। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस भी कैलकुलेट किया था। अभी थोड़ा सा लॉस के बारे में जान लेते हैं, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, ये दो कंसेप्ट देख लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो सबके साथ होता है, मतलब ये लॉस होता ही है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, विच इज नॉर्मल। जैसे कि अगर टैंकर में पेट्रोल डाल के भेज दिया पेट्रोल पंप के ऊपर, तो उस टैंकर से कुछ पेट्रोल जो है कितना भी प्रिकॉशन ले लो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि वो पेट्रोल का नेचर है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये इवेपोरेशन की वजह से जो पेट्रोल कम हो गया, ये आपका नॉर्मल लॉस है। बट अगर उस गाड़ी को मतलब लीकेज हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, इस वजह से कुछ पेट्रोल वेस्ट हो गया, तो ये तो सभी के साथ नहीं होता ना। हर गाड़ी जो भी पेट्रोल की जाती है, हर गाड़ी में
छेद होता ही है क्या, हर गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं, तो ये सबके साथ नहीं होता है, तो ये एबनॉर्मल है। जो नॉर्मली सभी के साथ होता है वो नॉर्मल, और जो सिर्फ अपने साथ हुआ, सिर्फ अपने साथ हुआ वो एबनॉर्मल। क्लियर? तो ध्यान देना, तो लाइव बैच में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल स्टूडेंट देते हैं, जो सबके साथ हुआ वो नॉर्मल, जो सिर्फ अपने साथ हुआ वो एबनॉर्मल। बराबर? तो ऐसे एग्जाम्पल निकालते हैं, सर ये सबके साथ हुआ, ये अपने साथ हुआ, लाइक दैट, ऐसा। ठीक है, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैराथन रिविजन चल रही है। क्लियर? तो चलो आगे। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी होना ये नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस है। ठीक है, डिवोर्स होना ये एबनॉर्मल कह सकते हैं क्योंकि ये सबके साथ नहीं होता है। ठीक है, तो जो सबके साथ होता है वो नॉर्मल चीज़ है, वो जो किसी किसी के साथ होता है वो एबनॉर्मल है। वैसे ही अगर लॉस सबके साथ हो रहा है ना, तो क्या होता है पता है क्या, मेरे जितने डिस्ट्रीब्यूट है सबको लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो कस्टमर से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। वो जो लॉस है, वो जो कॉस्ट है, कस्टमर से रिकवर करने की सोचेंगे, वो अपने कॉस्ट में से उतना अमाउंट सेपरेट करके अपना लॉस नहीं मानेंगे, उल्टा वो कॉस्ट दिखा देंगे और कस्टमर से रिकवर करेंगे, क्योंकि वो सबको लॉस होता है। लेकिन होगा क्या, अगर सिर्फ मुझे लॉस हुआ और बाकी लोगों को लॉस नहीं हुआ, तो सस्ते में बेचेंगे, मेरी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मुझे लॉस हुआ है। तो उस केस में मैं अगर लोगों से वो एबनॉर्मल लॉस भी चार्ज कर रहा हूं, तो मेरी प्राइस, सेल प्राइस ज्यादा हो जाएगी, और सेल प्राइस ज्यादा होने से क्या हो जाता है कि मेरे गुड्स बेचे नहीं जाएंगे। तो एबनॉर्मल लॉस जो कि सबके साथ नहीं हुआ है, Everyone is not recovering it from customer. तो इस वजह से मैंने भी उसे रिकवर नहीं करना चाहिए, वो abnormal loss निकालो और PNL account में डेबिट कर दो चुपचाप, इसे खर्चे में मत दिखाओ, ये कस्टमर से रिकवर नहीं करना, इसे सेपरेट करना है PNL account में। तो कौन सा लॉस सेपरेट किया जाता है? abnormal loss. नॉर्मल लॉस वहीं पे रखा जाता है, सेपरेट नहीं किया जाता, क्योंकि हर को लॉस हो जाए, everyone will try to recover it from customer. तो यहाँ पे देखो, जो सबके साथ होता है वो नॉर्मल, जो सिर्फ अपने साथ हुआ वो abnormal. नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल है, विच इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम कॉस्ट, इसे कॉस्ट से सेपरेट नहीं करना है। इट विल इंक्रीज कॉस्ट पर प्राइस पर यूनिट, क्योंकि क्या हो जाता है पता क्या, मैंने पेट्रोल के लिए 7 लाख रुपए दिए, जिसमें 10,000 लीटर मुझे आने वाले, 10,000 लीटर पेट्रोल आने वाला है, वहां से 10,000 लीटर भेज दिया, बट जब मेरे पास पेट्रोल आया तो 9,900 लीटर आया, मैंने कितने पे किए, 7 लाख। तो ये लॉस जो हुआ है वो 7 लाख में से वैल्यू में से सेपरेट करना है कि नहीं करना है? तो क्या हो जाएगा, 7 लाख डिवाइड बाय 9,900, पहले 7 लाख डिवाइड बाय 10,000 जब किया था तब 70 रुपये पर यूनिट आता था, करके देखो, 7 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो पर लीटर 70 आता था। अभी जो कि 100 का लॉस हुआ है, और ये नॉर्मल लॉस है, मतलब मेरे पास जब टैंकर आता है तो मुझे भी 10,000 में से 9,900 क्वांटिटी मिलती है, और सामने वाला जो पेट्रोल पंप है उसको भी 9,900 क्वांटिटी मिलती है, तो उसको भी जो कॉस्ट पड़ी है ना वो 70 नहीं पड़ी है, 7 लाख डिवाइड बाय 9,900 मुझे कितनी पड़ी, 70.70, और उससे भी कितनी पड़ी होगी, 70.70। तो हम क्या करेंगे, वो भी मे बी वो पेट्रोल 82 पे बेचेगा, मैं भी 82 पे बेच दूंगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो इस केस में इससे पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, और एबनॉर्मल लॉस विच इज अवॉइडेबल, इट इज ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम कॉस्ट, इसे कॉस्ट से सेपरेट करना है, इट विल नॉट इंक्रीज कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, इससे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट बढ़ती नहीं है, क्योंकि हम उसे कॉस्ट से, सॉरी वैल्यू से सेपरेट कर देते हैं, जितना लॉस हुआ है उसे वैल्यू से सेपरेट कर देते हैं, कॉस्ट से सेपरेट कर देते हैं, और इसे अपना लॉस मान के PNL अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, एज लॉस इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे एबनॉर्मल लॉस के लिए, नॉर्मल लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो नॉर्मल लॉस होने के बाद में कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस, कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला लिख देना, पर यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाता है, तो बोलो कॉस्ट प्लस, सेपरेट नहीं करना है, जो टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट गुड्स की, प्लस प्लस कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कंसाइनर डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। कॉस्ट से सेपरेट नहीं करना है, करेक्ट है, बट टोटल क्वांटिटी तो कम हो जाएगी ना लॉस होने के बाद में, तो इस वजह से क्या फॉर्मूला आता है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो नॉर्मल लॉस के बाद में, तो कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर डिवाइड बाय
टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस करना है। इससे आपको नॉर्मल लॉस होने के बाद में कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितने से बढ़ गई वो पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्लियर। आगे आगे कुछ एंट्रीज बताइए। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस। गुड्स भेजे या तो कॉस्ट प्राइस पे भेजेंगे या फिर इनवाइस प्राइस पे भेजेंगे। तो अगर गुड्स भेजे होंगे दो, ये क्वेश्चन देख लेना। यहां पे ये कंसाइनमेंट अकाउंट इट इज सिमिलर टू अवर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है? गुड्स आते हैं, ओपनिंग स्टॉक आता है, गुड्स आते हैं, गुड्स परचेस्ड आता है, गुड्स परचेस बाद में क्या आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड पे क्या आता है, सेल आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो वैसा ही फॉर्मेट है। देखो अभी जो कंसाइनी है वो गुड्स परचेस करता है या कंसाइनर के पास से लेता है, कंसाइनर के पास से। तो कंसाइनर क्या एंट्री कर देता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखा देता है वो परचेस। देखो यहां पे डेबिट साइड पे कभी परचेस नहीं आएगा, यहां पे डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर ये इनवाइस प्राइस पे लिखा हो डेबिट साइड पे, इनवाइस प्राइस मतलब क्या, बड़ा चढ़ा के प्राइस बताइए ना। तो अगर ये डेबिट साइड पे इनवाइस प्राइस पे लिखा हो ना, तो इसमें से कुछ ऐसा पोर्शन है जो हमने झूठ वाला बोल दिया है, तो इमीजिएटली क्या करना है, वो पोर्शन इमीजिएटली क्रेडिट साइड पे रिवर्स कर देना है, बाय गुड्स ऑन इमीजिएटली रिवर्स करना है, रिवर्स एंट्री पास करनी है, उतना पोर्शन रिवर्स कर देना है ताकि डेबिट साइड पे अननेसेसरी डेबिट साइड पे ज्यादा एक्सपेंसेस दिखाई ना दे। क्लियर। प्रॉब्लम में बोला होगा, देखो यहाँ पे दिया है 1.5 लाख में से 1 लाख कॉस्ट है, तो 50,000 क्या है, लोडिंग है। प्रॉब्लम में दिया होगा आई एम श्योर। ठीक, कितने में बेचा यहाँ पे, गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, कंसाइन एट 1,50,000। तो डेबिट साइड पे हमने कितना लिखा, 1,50,000। अगर आपने इनवाइस प्राइस पे लिखा डेबिट साइड पे, तो इमीडिएटली उसमें से 50,000 क्रेडिट साइड पे लिखने हैं, ताकि 1.5 लाख डेबिट साइड पे, 50,000 क्रेडिट साइड पे, इफेक्ट कितना मिला, 1 लाख का ही मिला ना, क्योंकि जब हम टोटल लेते हैं या बैलेंस करते हैं तो एक साइड के टोटल दूसरे साइड से माइनस करते हैं। क्लियर। तो इस वजह से हमें करेक्ट इफेक्ट देने के लिए पहले 1.5 लाख लिखो, इमीडिएटली 50,000 रिवर्स कर दो। सर हमने इतना करने की बजाय, डायरेक्टली ये रिवर्स करने की बजाय 1 लाख लिखने की जो है, 1.5 लाख लिखने की जगह पे 1 लाख लिखा, तो देखो क्या हो जाता है, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 1.5 लाख डेबिट पे लिख के 50,000 रिवर्स करके 1 लाख का ही इफेक्ट आता है, तो डायरेक्टली 1 लाख लिख सकते हो। बट बाद में 1 महीने बाद, 1 साल बाद, जब कंसाइनी आपसे पूछेगा वो कैलकुलेशन पुराना कभी निकालना पड़ा और आपको कंसाइनी को बताना पड़ा एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन है, तो उस वक्त आपको याद नहीं आएगा ये गुड्स भेजते वक्त 1 लाख में भेजे थे या 1.5 लाख में। ठीक है, अगर आपने 1.5 लाख लिखा और बाद में 50,000 रिवर्स किया, आपको क्लियरली पता चल रहा है ना कि 1.5 लाख में भेजा था, उसमें 50,000 का क्या था, लोडिंग था। ठीक है, लेकिन अगर 1 लाख की लिखा और बाद में कंसाइनी आपको फोन करके पूछता है लास्ट टाइम अपने गुड्स भेजा था वो कितने का भेजा था, आप उसे बोलते हो कि 1 लाख का, बट उसके पास रिकॉर्ड होगा 1.5 लाख का, क्योंकि हमने उसे इनवॉइस प्राइस बताई, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। इस वजह से हम लिखते वक्त क्या लिखते हैं, 1.5 लाख लिखते हैं, क्योंकि कंसाइनी को 1.5 लाख ही पता है। ठीक है, बाद में वो फोन करके पूछेगा कितने गुड्स भेजेगा, मैं देखूंगा अकाउंट में कितना लिखा है 1.5 लाख, मैं बोलूंगा 1.5 लाख का भेजा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है लगता है, तो 50,000 रिवर्स कर दूंगा जो मैंने बड़ा चढ़ा के बोला है। बराबर, तो पहले एंट्री क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जैसे परचेस आता है वैसे कंसाइनमेंट में परचेस नहीं आता है, बट कंसाइनमेंट में गुड्स कहां से आते हैं बेचने के लिए, कंसाइनर के पास है, तो कंसाइनर गुड्स सेंड करता है, इस वजह से एंट्री क्या आ जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये कॉस्ट प्राइस पे लिखा तो क्रेडिट साइड पे कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं, अगर इसे इनवाइस प्राइस पे लिखा तो इमीडिएटली क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखना है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो लोडिंग रिवर्स करनी है। बाद में कंसाइनर ने जो खर्च किया वो डेबिट किसे होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट। तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री होगी अगर कंसाइनर ने खर्च किया, कंसाइनी ने खर्च किया तो क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी ने भी कंसाइनमेंट के लिए खर्च किया, तो बोलो कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट टू हु इज गिवर, कंसाइनी इज गिवर, हु इज गिवर, कंसाइनी इज गिवर। तो यहां पे लिखा है टू जैक, मतलब ये कंसाइनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट।
बराबर है। इवन कमीशन की एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी को ये पैसे देने हैं तो इस वजह से क्रेडिट किया जाएगा। बाद में सेल की एंट्री क्या होगी, सेल का पैसा किसके पास आया, कंसाइनी के पास, हु इज रिसीवर, कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट और इनकम है ना ये सेल मतलब, तो इस वजह से कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहां पे देखो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करके क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है, जैक, मतलब जैक कौन है, कंसाइनी है, ठीक है। तो ये एंट्री कर दी क्लियर, और क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो यहां पे देखो एंट्रीज करके दिखाए, पहली एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स भेजे। अभी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ध्यान देना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये मान लो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, मान लो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, जी एस सी ये अकाउंट है। यहां पे क्रेडिट साइड पे दिख रहा है गुड्स हमने भेजे, गुड्स हमने भेजे 6 लाख के, इसमें 1 लाख का लोडिंग है, तो इमीडिएटली लोडिंग रिवर्स किया, ये जो एंट्री है ना इसकी रिवर्स एंट्री यहां पे देख सकते हो, लोडिंग अगर इनवाइस प्राइस पे गुड्स भेजे हो तो, कॉस्ट प्राइस पे भेजे हो तो रिवर्स करना नहीं है। तो लोडिंग कितना है मान लो 1 लाख, तो 1 लाख यहां पे रिवर्स कर दिया, जीएससी अकाउंट को यहां पे डेबिट दिया ना, तो जीएससी के डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, टू कंसाइनमेंट। अभी इस अकाउंट को जीएससी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को 5 लाख का डिफरेंस दिखाई देगा, दिख रहा है क्या, 6 लाख क्रेडिट 1 लाख डेबिट, तो ये गुड्स 5 लाख के आए कहां से, हमने भेजा कंसाइनमेंट पे भेजा बट आए कहां से, ये गए ये तो दिख रहा है 6 लाख के और 1 लाख लोडिंग है, इस वजह से रिवर्स कर दिया, पर 5 लाख की जो कॉस्ट है वो गुड्स आए कहां से, समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूं। तो याद रखना ये जो 5 लाख के गुड्स आए वो परचेस में आपने मतलब कंसाइनमेंट जो परचेस किया था उसमें से भेजा है ना, तो ये यहां पे टू परचेस लिखना चाहिए, या परचेस में लिखना भूल गए तो आप ट्रेडिंग लिख दो, ठीक है, कहां पे लिख दो, ट्रेडिंग में लिख दो, तो यहां पे डेबिट है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाएगा। ट्रेडिंग को क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि परचेस डेबिट साइड पे होता है ना, परचेस में डेबिट नहीं किया, परचेस अकाउंट क्लोज कर दिया तो ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दिया, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे परचेस होता है, ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो परचेस से फाइनली लेस हो जाएगा, कितना 5 लाख। ये एक एडजस्टमेंट याद रखना, जो गुड्स गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आते हैं वो कहां से आते हैं, परचेस से आते हैं, या परचेस में पहले माइनस नहीं किया तो ट्रेडिंग अकाउंट से आते हैं, तो 6 लाख 6 लाख, इज इट क्लियर, एंड आउट एंड आउट, 6 लाख 6 लाख। आगे लोडिंग ऑन गुड्स सेंट रिवर्स करना है, बराबर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस, बाय बाय बोल रहा हूं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस या तो परचेस को क्रेडिट कर दो, और परचेस अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस है तो क्रेडिट साइड पे लिखने से ऑटोमेटिकली वो अमाउंट परचेस से माइनस हो जाती है। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कंसाइनमेंट को डेबिट करना है खर्चा, और कंसाइन इज गिवर क्रेडिट करना है। इवन सेम फॉर कमीशन, कमीशन के लिए सेम एंट्री है, सेम एंट्री है कमीशन के लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, सेल बाय कंसाइनी, सो हु इज रिसीवर, कंसाइनी इज रिसीवर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और इनकम इस वजह से कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, तो एक्सपेंस हो तो डेबिट साइड पे आता है, इनकम हो तो क्रेडिट साइड पे आता है। सेटलमेंट ऑफ अमाउंट बैंक पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने कंसाइनर को पैसे दिए तो कंसाइनर क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज गिवर, कंसाइनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बैंक इज रिसीवर, कंसाइनी इज गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कंसाइनमेंट स्टॉक कहां पे लिखा जाता है, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट और कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट। अगर ध्यान देना एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है, ये याद रखना, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस हमें कहां पे दिखाना है, डेबिट साइड पे सभी गुड्स दिखाए, कंसाइनमेंट में गुड्स सेंट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे दिखाया जाता है। इवन 11 12th में आप करते थे ना ऐसा, 11 12th में क्या करते थे आप, जो टोटल गुड्स है वो डेबिट साइड पे लिखते थे और जो लॉस बाय फायर है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते थे। यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, यहां पे कौन सा अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो ये क्या जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा एबनॉर्मल लॉस, सिमिलर टू लॉस बाय फायर, ये भी तो एबनॉर्मल लॉस है ना इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है, हम लॉस बाय फायर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय लॉस बाय फायर या एबनॉर्मल लॉस, और बाद में उसे पी एन एल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते थे, वैसा ही ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू, लिख देना, ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू 11 12।
अबनॉर्मल लॉस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, वही है, सिर्फ यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट में करना है, कंसाइनमेंट को क्रेडिट, ट्रेडिंग के जगह पे कंसाइनमेंट को क्रेडिट, बराबर ये करना है और बाद में पीएनएल अकाउंट में डेबिट दिखाना है। तो देखो यहां पे कुछ इसमें से जो बड़े क्वेश्चन है क्या क्या बोला एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पहले देख लेते हैं, मिस्टर ए ऑफ असम सेंट ऑन 18 फरवरी 2017 अ कंसाइनमेंट ऑफ 1000 डीवीडी प्लेयर टू बी ऑफ बंगाल कॉस्टिंग रुपीज 100। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट पे ही भेजा है, इनवाइस प्राइस है ही नहीं, ठीक है, तो कॉस्ट पे ही भेजा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1000 × 100, तो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट फेब 18 को भेजा है, मतलब कितना 1 लाख। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 वेयर मेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर कौन है, ए, उसने 1500 के खर्चे किए, तो एंट्री क्या आती है, खर्चा हो तो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट सेम डे पे खर्च किया 1500। आगे क्या बताया, बी स्पेंट 3000 फॉर क्लियरेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20 पर डीवीडी, कितने डीवीडीज हैं, 1000 × 20 मतलब कितना आ जाता है, सेलिंग 20 पर डीवीडी, 1000 डीवीडी इंटू 20 तो कितना आ जाता है 20,000। तो हु इज गिवर, किसने पे किया ये, बी ने, बी कौन है, कंसाइनी, तो एंट्री क्या आ जाए, कंसाइनमेंट को डेबिट, खर्चा से भी डेबिट साइड पे आता है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर, कंसाइनी, तो कंसाइनी को क्रेडिट करना चाहिए टू कंसाइनी बीज अकाउंट। और दूसरा ही फिर देखो बी का अकाउंट बनाया होगा, बी के क्रेडिट साइड पे, वन मिनट, 3000 और सेलिंग एक्सपेंसेस अलग है, हाँ ध्यान देना, तो देखो 600 डीवीडी और 300 डीवीडी सेल किए ना, मतलब टोटल डीवीडी सोल्ड कितना है 900, और 900 × 20 सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, पर डीवीडी बताया, तो कितने डीवीडी सेल किए निकाला, तो कितना आता है 18,000। तो 3000 का खर्च अलग है क्लियरेंस, और 18,000 का खर्च अलग है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन अकाउंट बी, टू बी अकाउंट, तो कितना ये 3000 तो लिख दिया टू बीज अकाउंट, एंड फिर से टू बीज अकाउंट 18,000। अभी ये बी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए, कंसाइनी के क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि कंसाइनी में हमने डेबिट क्रेडिट दे दिया, तो ये पता चलेगा कंसाइनी के पास से एग्जैक्टली पैसे कितने आने बाकी है या पैसे देने बाकी है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दो, क्योंकि कंसाइनमेंट को डेबिट दिया तो बी को क्या मिला है, क्रेडिट 3000 और 18,000। आगे बी सोल्ड ऑन 15 मार्च 2017 600 डीवीडी प्लेयर एट 160 पर डीवीडी, तो 600 × 160 कैलकुलेट करो, और बाद में 300 × 170 कैलकुलेट कर दो, तो 160 × 600 कैलकुलेट करो ना, नाइन्टी सिक्स थाउजेंड आ जाता है। तो हुज़ ये कैश किसके पास आ गई, कंसाइनी के पास, कंसाइन इज रिसीवर, तो बी को डेबिट देना है, बी को डेबिट देना है और कंसाइनमेंट को क्रेडिट देना है, क्योंकि अपना इनकम है, क्लियर, दोनों सेल है, दोनों सेल क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कंसाइनमेंट के, ठीक है, तो पहला पहला और दूसरा कौन सा है, 300 × 170 कितना आता है 51, तो ये 51,000 आ जाएगा, ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बीज अकाउंट 51,000, और इसे बी के कहां पे लिख दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया 96,051,000, क्लियर। अभी बी इज इंटरटल टू अ कमीशन ऑफ 25 पर डीवीडी प्लेयर, मतलब 25 पर डीवीडी मिलेगा, तो कितने बेचे, 900 ना, 900 × 25 ये तो मिल ही जाएगा, 900 × 25 वो तो मिल ही जाएगा, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट 120 पर डीवीडी, ये अभी जो पढ़ा था ना उसमें टेलीविजन लिया था 1200 का, वो उसके जैसा ही है, क्लियर। तो अभी अब देखो,
टोटल सेल कितना किया ये पहले ले लो, 96 प्लस 51 ऐड कर दो, 96 प्लस 51 ऐड कर दो, 1,47,000 आ रहा क्या टोटल सेल? 1,47,000 आ जाएगा, हाँ 1,47,000 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो ऑर्डिनरी कमीशन कितना है, कितना ऑर्डिनरी कमीशन 25 पर डीवीडी, और कितने डीवीडी बेचे हैं 90 डीवीडी बेचे, 90 डीवीडी सॉरी 900, 900 बेचे हैं, 900 डीवीडी इंटू 900 डीवीडी इंटू 25 ईच, तो कैलकुलेट करते हैं। कितना आता है 22,500, ये आ जाएगा 22,500, बराबर ये 22,500 आ जाएगा। क्लियर? ओवरराइडिंग हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए अलग वर्किंग नोट है। तो उस उन्होंने क्या बोला है, सेल प्रोसीड लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स सम एट सम एट 125 ईच डीवीडी, सम एट 125 ईच डीवीडी, तो सेल प्रोसीड कितना है बोलो, 1,47,000, 1,47,000 डन, 1,47,000। बाद में उन्होंने किस प्राइस से ज्यादा बोला था, अगर 125 से ज्यादा प्राइस पे बेचा होगा तो मुझे सेल निकालना है 900 डीवीडी इंटू 125 ईच। मतलब ये कैलकुलेट करने से मुझे पता चलेगा कि 1,47,000 में 125 रुपीज पर डीवीडी से ज्यादा कितना कमाया, तो 900 इंटू 125, 900 इंटू 125 कितना आ जाता है 1,12,500। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 1,47,000, 34,500 बच रहेगा। बाद में ऑर्डिनरी कमीशन कितना है बोलो, ऑर्डिनरी आपने कैलकुलेट किया है, ऑर्डिनरी आपने कैलकुलेट किया है कितना है 22,500, 22,500। तो ओवरराइडिंग पता नहीं है तो कितना बचा 12,000, इज इट 12,000, चेक कर लेना कैलकुलेशन, और 12,000 इंटू रेट कितना है, ट्वेल्व थाउजेंड इंटू रेट, रेट कितना है 1/4 है ना, 1/4, ठीक है 1/4 मतलब 25%, 12,000 इंटू 2,400 कितना आया 2,400, पहले जो आया था 2,400, 12,000 इंटू 25 अपॉन 125, ये फॉर्मूले से जाते हो, ये फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है तो 2,400 आता है, और आप अगर 2,400 ऐड करते हो तो कितना आ रहा है 009, 24,900, 24,900। तो वही आया क्या, एक बार पॉज करके लगता है तो देख लेना कोई कंफ्यूजन हो तो, ठीक है तो 24,900। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 24,900 कंसाइनमेंट को डेबिट, ये खर्च है और कंसाइनिंग को क्रेडिट, तो कंसाइनिंग क्रेडिट साइड पे 24,900 कमीशन दिख रहा है यहाँ पे, कमीशन 24,900। एक बार देख लेना कोई डाउट हो तो। जो हमने पहले सॉल्व किया था कमीशन वाला पार्ट वैसा ही है। आगे आगे
क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, याद रखना भूलना मत, क्लोजिंग जो है वो निकालना है, क्योंकि 1000 में से सिर्फ 900 डीवीडी बचे हैं, तो कितने डीवीडी बचे हैं 100, तो 100 डीवीडी का वैल्यू निकालना है। तो 100 डीवीडी का वैल्यू कैसे निकाले, 100 डीवीडी की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 100 रुपए, 100 × 100, फॉर्मूला याद कर लो, कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी, क्लियर। तो देखो कॉस्ट कितनी है, बोलो कॉस्ट कितनी है, 100 × 100 ये कॉस्ट है, जितने डीवीडी बचे उसकी। बाद में कंसाइनर ने खर्च किया 1500, कंसाइनर ने खर्च किया 1500, और किसके ऊपर खर्च किया उसने, कितने डीवीडी के ऊपर खर्च किया, 1000, ठीक है। तो 1500 खर्च किया 1000 डीवीडी के लिए, तो अभी डीवीडी कितनी बची है, 100 ना, तो यहां पे आ जाएगा 1500 खर्च किया है, कंसाइनर का खर्च ऐड करना ना, डिवाइड बाय 1000। मैं अगर 1500 डिवाइड बाय 1000 करता हूं तो मुझे एक डीवीडी की कॉस्ट मिलती है, और एक डीवीडी के लिए कितना खर्च आया ये पता चलता है, और मुझे कितने का चाहिए, 100। 1500 1000 के लिए किया, तो 1500 डिवाइड बाय 1000, एक डीवीडी के लिए किया 1.5 रुपए का खर्च कंसर्न होने, तो 100 डिवीडी का मुझे निकालना है, मतलब 100 का खर्च मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेट जिसे हम कहते हैं, यही है प्रोपोर्शनेट, 100 का मुझे खर्चा मिल रहा है, 1500 खर्च जो है वो टोटल गुड्स के ऊपर किया गया है, टोटल गुड्स के ऊपर किया गया। बाद में बी ने कितना खर्च किया, क्लियरिंग चार्जेस, बाकी सेलिंग एक्सपेंसेस ये तो रिकरिंग है ना, तो सेलिंग एक्सपेंसेस गुड्स में मत लो, क्लियर। तो गुड्स गोडाउन में आने तक का खर्चा लेना है, सेल करने का नहीं, ठीक है। तो ये 3000 है, 3000 डिवाइड बाय कितने, कितनी क्वांटिटी आए, 3000 डिवाइड बाय कितने आए क्वांटिटी, 1000 ना, तो 1000 के ऊपर खर्च किया था, कितना चाहिए, 100 का चाहिए, तो 10000, देखो 3000 अगर 1000 डीवीडी के लिए किया था, एक डीवीडी के लिए 3 रुपए खर्च किया था कंसाइनी ने, तो 100 डीवीडी बाकी है, तो 100 डीवीडी का प्रोपोर्शनल खर्चा कितना आता है, 300, यहाँ पे आता है 150, यहाँ पे आता है 300, मतलब कितना आता है, 10450, कितना आता है, 10450। तो यहाँ पे देखो आप 10450, तो आप अगर टोटल लेते हो, सब कुछ लिखा है, टोटल लेते हो, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो दोनों साइड पे लिख दो, उससे ये जो डेबिट साइड के आइटम्स है वो सिर्फ लेस कर दो, तो ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 10050, क्लियर। ये आपको प्रॉफिट मिल गया सभी एक्सपेंसेस और इनकम एडजस्ट करके। और अगर आप बी का अकाउंट क्लोज करते हो तो बी की डेबिट साइड ज्यादा है, बराबर, बी का क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है, बराबर, अभी वो दोनों साइड पे लिख दो, बी का डेबिट साइड ज्यादा है वो दोनों साइड पे लिख दो, और जब मैं उससे क्रेडिट साइड माइनस कर दूंगा तो बाकी बचा हुआ बी जो है वो किसे देगा, ए को देगा, बराबर ना, सेटलमेंट कर देगा, क्योंकि उसको 96,000 का सेल करके पैसे आए, बाद में 51,000, मतलब 1,47,000 उसके पास आए, उसमें से उसके खर्चे 3,000 प्लस 18,000, 21,000 उसके खर्चे हैं, और 24,900 उसका कमीशन है, तो ये सब कट करके सेटलमेंट कर देगा ना, 1,01,100 की, तो सेटलमेंट हो रहा है, इन शॉर्ट ये अकाउंट जो है वो सेटलमेंट कैलकुलेट कर रहा है, और बाकी बचा हुआ खर्चा जो है ये बैलेंसिंग फिगर है जो कि पेमेंट होगा, क्लियर। एनी डाउट है, एनी डाउट, एनी डाउट, नो। अभी यहां पे उन्होंने कैलकुलेशन करके बता दिया 24,900 कैसे आ गया, मैंने जो बताया कैलकुलेशन इन्होंने मैथमेटिक्स के तरीके से कैलकुलेट किया, मैंने क्या किया, सेल प्राइस लेस क्या 125 के हिसाब से कितना आता है, तो हमें एक्सेस मिल गया, उससे कमीशन माइनस किया, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्लियर। और डीवीडी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये भी मैंने जो कैलकुलेट किया था उस तरीके से आप चलो, ओके, वो तरीका ज्यादा मतलब ज्यादा समझने में आसान मुझे लगता है, और इवन स्टूडेंट्स का भी यही कहना है, क्लियर। तो देखो मैंने जो आपको लिख के दिया था वर्किंग नोट वो फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 जनवरी 2018 मिस्टर जिल ऑफ मुंबई कंसाइन टू मिस्टर जैक ऑफ चेन्नई गुड्स फॉर सेल एट इनवाइस प्राइस, तो इनवाइस प्राइस पे भेजा है, तो याद है ना, इनवाइस प्राइस पे अगर आपने गुड्स सेंड दिखा दिया तो इमीडिएटली क्रेडिट साइड पे रिवर्स करना है जो लोडिंग वाला पार्ट है। मिस्टर जैक इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल एट इनवाइस प्राइस, देखो आपको कमीशन मिलेगा जितना सेल किया उसकी इनवाइस प्राइस निकालो वहां तक 5%, और जितना सेल किया उसकी इनवाइस प्राइस के ऊपर का जो कमाया उसके ऊपर 20% एंड अबो द इनवाइस प्राइस। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वे कंसाइन टू चेन्नई एट इनवाइस प्राइस ऑफ 1,50,000, देखो अभी गुड्स कितने के भेजे 1,50,000, तो डेबिट साइड पे देखो
डेबिट साइड पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1.5 लाख, इमीडिएटली उसमें जो लोडिंग वाला पोर्शन है वो रिवर्स कर दो क्रेडिट साइड पे सेम डे पे, कितना 50,000, 1.5 लाख माइनस 1,50,000 इमीडिएटली रिवर्स करना है। क्लियर। आगे द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर 10,000, तो एंट्री क्या आती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनर के खर्चे 10,000 आ गया। आगे बोलो, ऑन 31 मार्च 2018 एन अकाउंट सेल वॉज रिसीव्ड बाय मिस्टर जिल फ्रॉम मिस्टर जैक, जैक शोइंग दैट सेल हैड, सेल कितना हुआ 1,20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 4/5 क्वांटिटी, 4/5 क्वांटिटी का सेल हो गया, कितना 1,20,000। तो एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री क्या आ जाएगी बोलो, बोलो कंसाइनमेंट को क्रेडिट मिलेगा सेल है तो, और कंसाइनी को डेबिट मिलेगा बिकॉज वो जो पैसा है वो कंसाइनी के पास आया, तो जैक को डेबिट मिलेगा, जैक ये कंसाइनी है ना, तो जैक को डेबिट मिलेगा। देखो जिल ने जैक को गुड्स भेजे, मतलब जैक कंसाइनी है तो जैक को डेबिट मिलेगा, बराबर, तो जैक को डेबिट और कंसाइनमेंट को क्रेडिट, कितना 1,20,000 क्रेडिट कंसाइनमेंट को और जैक को डेबिट 1,20,000 का टू कंसाइनमेंट। आगे एंट्री क्या आती है कंसाइनमेंट को क्रेडिट, बराबर, और कंसाइनी मतलब जैक को डेबिट, मतलब जैक के डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे टू कंसाइनमेंट लिख दोगे। आगे बोलो एक्सपेंसेस कितने किए उसने 3,000, एक्सपेंसेस कितने किए 3,000, ठीक है, और बिल ऑलरेडी एक एक्सेप्ट किया 1,00,000 रुपए का, ठीक है, और बाकी बैलेंस बचा वो कैश में दिया, तो 3,000 के एक्सपेंसेस है, बोलो किसने दिए कंसाइनी ने दिए, तो एंट्री क्या जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट, तो बराबर कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे 3,000 और जैक गिवर, इस वजह से जैक के को क्रेडिट देना है कितना 3,000। अभी आपको कैलकुलेट करना है कमीशन, बराबर, क्या कैलकुलेट करना है कमीशन, कमीशन क्या बता रहे हैं बताया, ध्यान दो यहाँ पे कमीशन कितना बताया है बोलो 5% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस, तो जो सेल किया उसकी इनवाइस प्राइस निकालो, पहले तो सेल कितना किया 4/5 और इनवाइस प्राइस टोटल कितनी है 1.5 लाख ना, 1.5 लाख इंटू 4/5 कितना आता है, 1.5 लाख इंटू 4/5 कितना आता है 1,20,000 आता है ना, तो 1,20,000 ये इनवाइस प्राइस है, देखो मैंने 1.5 लाख इनवाइस प्राइस ली थी ना और उसमें से 4/5 सेल किया, मतलब ये जो 1,20,000 है ये सेल प्राइस इनवाइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड है, उसके ऊपर कितना 5%, तो 1,20,000 के ऊपर 5%, तो बोलो परसेंट ऑन सेल अप टू बोलो इनवाइस प्राइस प्लस क्या बताएं प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑन सरप्लस अबो इनवाइस प्राइस, तो सोल्ड कितना है 4/5 एंड इनवाइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स कितना है, इनवाइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स बोलो कितना है 1,50,000, तो देखो ये जो 1,50,000 टोटल गुड्स है तो कितने सेल किए इसमें से 1,50,000 इंटू 4/5 मतलब कितना आता है 1,20,000, इसके ऊपर 5% कितना आता है बोलो 6,000, इसके ऊपर 5% 6,000, और आपने एक्चुअल सेल कितना किया है 1,20,000 ही किया है सेल, देखो सेल कितना किया 1,20,000 और आपका इनवाइस प्राइस जो आ रहा है जो सेल किया उसका इनवाइस प्राइस मतलब 1.5 लाख का जो इनवाइस प्राइस है टोटल गुड्स का उसका 4/5 1,20,000 आया, मतलब आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कमाया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कमाया, ठीक है, नो एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा कमीशन देयरफॉर 0, तो टोटल कितना आता है 6,000। ध्यान दो हमने जब कैलकुलेट किया इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड 4/5 गुड्स सेल किए तो 1.5 लाख इनवाइस प्राइस ने टोटल गुड्स की, तो जो बेचे उसकी इनवाइस प्राइस 1,20,000 आ गई, और आपने सेल कितना किया 1,20,000 किया ना, एक्स्ट्रा कुछ कमाया क्या, एक्स्ट्रा कमाई नहीं, तो 20% क्यों दूं मैं, तो इस वजह से सिर्फ 6,000 ही आ जाएगा, तो कमीशन कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे, बराबर कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे, कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे कमीशन 6,000 और कंसाइन के क्रेडिट साइड पे
कितना 6,000, 6,000। आगे बिल्स रिसीवेबल दे दिया 1 लाख का, भाई बहन हम क्या बोलेंगे, कंसाइन हो, आप कंसाइन हो, आप क्या बोलोगे, बिल्स रिसीवेबल आ गया एंड हु इज गिवर, कंसाइन इज गिवर, भाई बहन तो उस केस में एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट या जैक अकाउंट, याद रखना एंट्री, आपके पास बिल्स रिसीवेबल आया ना तो आप बिल्स रिसीवेबल की 11, 12 में एंट्री क्या पास कर देते, 12 में एंट्री की ना बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जैक, जैक ने साइन किया ना, तो यहां पे जैक को क्रेडिट देना है 1 लाख का, कंसाइनमेंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एडवांस है, हम याद है ना एडवांस सेटलमेंट के टाइम पे माइनस करते हैं, ठीक है, तो डेबिट साइड पे सेल इतना हुआ था, सेल प्रोसीड माइनस एक्सपेंसेस माइनस कमीशन माइनस एडवांस, तो ये आ जाएगा 11,000, ये बैंक से रिमेनिंग सेटल कर दिया ना, बैलेंसिंग फिगर सेटल कर दी और प्रॉफिट कितना आ गया। अभी देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से क्लोजिंग स्टॉक पहले कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाना है, इनवाइस प्राइस पे, जैसे यहाँ पे पहले गुड्स इनवाइस प्राइस पे दिखाए थे बाद में लोडिंग रिवर्स कर दी, वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी पहले इनवाइस प्राइस पे ही दिखाना है, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स, इनवाइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइन प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, वही फॉर्मेट फॉलो करना है। आपके पास कितने गुड्स बचे, 1/5 ना, 4/5 बेचे, 5 में से 4 हिस्से बेच दिए, 4/5 बेचे तो कितना बचा, 1, 5 में से 4 हिस्से बेचे 1/5 बचा, ठीक है, तो इनवाइस प्राइस पे कैलकुलेट करना, उसमें से जो लोडिंग है वो डेबिट साइड पे लिख देना, जब इनवाइस प्राइस पे होता है तो गुड्स सेंट इनवाइस प्राइस पे लिख के बाद में रिवर्स किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक भी इनवाइस प्राइस पे लिख के उसमें से लोडिंग रिवर्स किया जाता है, ठीक है, तो बोलो ध्यान दो, 1.5 लाख, 1.5 लाख ये क्या है, इनवाइस प्राइस है ना, गुड्स भेजे थे उसकी, बराबर, तो ध्यान दो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा आपने एट इनवाइस प्राइस, एट इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स, बोलो कितना है, 1.5 लाख, इनवाइस प्राइस पे कैलकुलेट करना है, उसमें से लोडिंग लगता है तो रिवर्स कर देंगे इनटू 1/5, 1/5 बचा, जितना बचा है उसकी कॉस्ट, सॉरी उसकी इनवाइस प्राइस, बाद में प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग किसका, एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनर, कंसाइनर के कितने खर्च है, वो पूरे खर्च है, कंसाइनर के कितने खर्च है, पूरे 10,000, लेकिन ये पूरे खर्च है, मुझे कितना चाहिए, जो गुड्स बचा है उसका ही, 10,000 इंटू 1/5, प्रोपोर्शनेट लेना है ना, जो बचा है उसका, बाद में प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी, कंसाइनी कितना आता है, बोलो बोलो 3,000 है ना खर्च, जैक ने जो किया है, बराबर, तो 3,000 का कितना, 3,000 इंटू 1/5, तो कितना आता है, 30,000, 2,000 और कितना आता है, 600, तो 32,600, 600 32,600 आ गया क्या, यस 32,600, उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली तीनों की टोटल ली, उसका 1/5 किया, मैंने हर एक का 1/5 लिया ना, तो उन्होंने क्या किया, सभी अमाउंट की टोटल ली और 1/5 किया, तो मैं ज़्यादा एक आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि हाँ कॉस्ट का 1/5, बाद में एक्सपेंसेस का 1/5, कंसाइनिंग एक्सपेंसेस का 1/5, ऐसा अलग अलग मैंने आपको बता दिया, बट आंसर वहाँ पे सेम आ रहा है 32,600। अभी आप देखो ये तीनों जो है 30,000, 2,000 और 600, इसमें से कौन से वैल्यू में लोडिंग है, कौन से वैल्यू में लोडिंग है, बोल लो कौन से वैल्यू में लोडिंग है, क्या एक्सपेंसेस में मैंने बढ़ा चढ़ा के बोले थे, नहीं मैंने सिर्फ प्राइस बढ़ा के चढ़ा के बोली थी, तो ये 30,000 में कुछ तो भी लोडिंग है, ये लोडिंग मुझे कैसे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कितना लोडिंग है, सिंपल बात है, 1.5 लाख जब इनवाइस प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस है 2 लाख, मतलब रेशियो क्या होता है, 1.5 लाख और कॉस्ट प्राइस, मैंने 2 लाख गलती से बोला शायद से 1 लाख, तो रेशियो आता है 3:2, बराबर, मतलब जब आप मुझे बताओ 30,000 इनवाइस प्राइस है, 30,000 इनवाइस प्राइस है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, बोलो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20,000 होगी ना, 3:2 रेशो, 30,000 का 20,000 हो जाएगा, और लोडिंग कितनी आ जाएगी, देयरफॉर लोडिंग 30,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 10,000, तो लोडिंग आ जाएगी कितनी, 10,000, तो डेबिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक पे जो लोडिंग है उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक रिजर्व ना, डेबिट साइड पे क्या करना है, टू स्टॉक रिजर्व 10,000,
वो कैलकुलेशन लिख लेना जो अभी मैंने बता दिया। तो आप क्रेडिट साइड की टोटल लेना, दोनों साइड पे लिख देना, उसमें डेबिट के सभी आइटम लेस कर देना, तो आपको क्या पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा जो कि है 23,600। क्लियर? जो मैंने अभी कैलकुलेशन दिया वो लिख के लेना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर? एंड आउट। देखो जहां जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए वहां पे वीडियो पॉज कर देना और एक बार पढ़ लेना, या वो वाला पार्ट जो है वो देख लेना डबल, ठीक है। इवन आप आपके पास नोट डाउन भी कर सकते हो कि हाँ कौन से टाइप पे वो टाइम पे वो पर्टिकुलर पार्ट स्टार्ट होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी रिविजन करोगे तो पूरा आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कमीशन में प्रॉब्लम नहीं आता है ऐसा मान के चलता है, आपको प्रॉब्लम आता है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक जब देख रहे हो तो टाइम लिख के रखना कहीं पे बुक में जहाँ पे आपने पढ़ा हो, और बाद में इस टाइम पे आके वीडियो में वो फिर से देख लेने लगता है तो रिवाइज करना हो तो। क्लियर? तो इस तरीके से आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो या अच्छे से स्टडी कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो चलो।